हेलो एवरीवन, कोडेश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन किसके बारे में, मध्य प्रदेश के जो है भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे। कल अपनों ने जो है कौन सा मध्य भारत का पठार देख लिया था, अपनों ने मध्य उच्च प्रदेश बेसिकली अपन डिस्कस कर रहे थे। उसके अंतर्गत अपनों ने मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार देख लिया था, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वाले आगे वाले लेक्चर पर अपन किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, रीवा पन्ना के पठार के ऊपर डिस्कस करने वाले। तो जो रीवा पन्ना का पठार है, इसकी जो है लोकेशन अगर आप देख लो मैप में, तो ये अपना प्यारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड पे जो है ये वाली लोकेशन किसकी आ जाएगी, रीवा पन्ना के पठार की, ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे अपनों ने क्या देखा था, इस साइड पे बुंदेलखंड देखा था, ठीक है। इसके नीचे की ओर क्या है, बघेलखंड है। इस साइड पे कौन आ जाएगा, मालवा का पठार आ जाएगा। और इस साइड पे कौन सी चीज, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। तो इसकी स्थिति देखो, इसके उत्तर में क्या आ जाएगा, इधर गंगा यमुना दोआब आ जाएगा। अगर इसके पश्चिम की ओर देखेंगे तो क्या, ये उत्तर पश्चिम की ओर कौन सा आ जाएगा, बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा। अगर पश्चिम देखेंगे अपन तो कौन सा आ जाएगा, इस साइड पे मालवा का पठार पड़ता है अपना, मालवा का पठार आ जाएगा। दक्षिण में क्या आ जाएगा इसके, बघेलखंड। और इस साइड पे क्या आ जाएगा, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। तो स्थिति क्लियर हुई आपको, ठीक है। तो ये इसकी जो है लोकेशन अपन देख चुके कि कहाँ क्या है। अब एक एक करके इसके सारे बिंदुओं के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। बिंदु कौन कौन से, वही कि इसका निर्माण कैसे हुआ, कितने क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ शामिल होती है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती है, कौन कौन सी मिट्टी इसके अंतर्गत होती है, यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे वर्षा किस टाइप से होती है, इन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें तो जैसे आप देख लिया आपने वो कल वाला लेक्चर, जिसमें जो है सारे पर्वत श्रेणी वगैरह जो भूगर्भिक संरचना बेसिकली डिस्कस करी थी, तो उसमें अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में बेसिकली जो है दो पर्वत श्रेणियां मुख्यतः पाई जाती, एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो नीचे की ओर, और एक ये कौन सी पाई जाती, विंध्य पर्वत श्रेणी। तो विंध्य के दो भाग बेसिकली भाग होते हैं, कौन सा, यहाँ पे पाया जाता है भांडेर श्रेणी और यहाँ पे पाया जाता है कैमूर श्रेणी। इसके बाद अपन जब पर्वत श्रेणियां पढ़ेंगे ना इसके बाद वाले लेक्चर में, इसी के अंतर्गत देखेंगे इसके, जब ये खत्म हो जाएगा इसके बाद, तो उसमें अपन और डिस्कस करेंगे इन पर्वत श्रेणी के बारे में। तो जो ये अपना कैमूर श्रेणी है ना, तो ये श्रेणी कहाँ फैली हुई है, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत ही फैली हुई है। अगर इसके अंतर्गत जिलों की अगर बात करोगे तो यहाँ से स्टार्ट होते कौन से, पन्ना, सतना, ठीक है, रीवा, ये सभी जिले इसके अंदर शामिल होते हैं। अगर बात करोगे तो कल अपनों ने कर्क रेखा वाली लोकेशन देखी थी कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती, तो अपनों ने क्या देखा था कि मालवा के पठार के मध्य में से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती। तो कर्क रेखा के कैसे उत्तर की ओर ये जो है रीवा पन्ना का पठार अपना स्थित देखने को मिलता है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, विंध्य का जो है कगारी प्रदेश है, ये कुडप्पा शैल के समूह के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कर्क रेखा के कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है, ठीक है। इसके उत्तर पूर्व की ओर कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार, ये देख चुके हैं अपन। पूर्व की ओर कौन सा, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है, ठीक है। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से भाई चट्टानों, भाई के कुडप्पा शैल की चट्टानों से और इनसे निर्मित हुआ है, वही लिखा हुआ है कि ये जो है इसका निर्माण कैसे होता, कुडप्पा और विंध्य शैल समूह से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर है कि कैसे इसका निर्माण हुआ, तो विंध्य शैल समूह की जो कुडप्पा श्रेणी की जो चट्टान है उनसे इनका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अगर बात करेंगे इसकी स्थिति के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो है भौतिक स्थिति कहाँ है, तो अगर आप बात करोगे तो अक्षांश देशांतर बेसिकली आप याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं। वैसे देखो अगर इसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार देखेंगे अपन, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ये तो क्लियर है, ठीक है। अगर इसका अक्षांश विस्तार देखेंगे तो कितना है, 23.10 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना है, 25.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका जो है अक्षांशी विस्तार देखने को मिलता है। इसी टाइप से अपन इसके देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो कितना आएगा, 78.04 डिग्री से लेके 82.18 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जो है फैला हुआ है, ठीक है। अब ये तो अपनों ने इसका देशांतरी विस्तार देख लिया, अब मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने परसेंट क्षेत्र पर ये फैला हुआ है, अगर इसके क्षेत्र वाइज अगर अपन देखेंगे तो मध्य प्रदेश के कुल 10.37% एरिया पे ये फैला हुआ है, कितना, 10.37% एरिया पे फैला हुआ है। इससे पहले अपन क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक विभाजन अपना कौन सा आ जाएगा, जो है बघेलखंड का पठार, और सबसे बड़ा कौन सा देखा अपनों ने, मालवा का पठार देख चुके हैं अपन, ठीक है। तो कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, 10.37
37% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। अगर आप जैसे एरिया वाइज डिस्कस करना चाहते हो तो कितने, 31,955 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर यहाँ की जलवायु की अपन बात करें रीवा पन्ना के पठार की, तो यहाँ पे बेसिकली महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्या होती है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं अपन, वैसे कल डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें जो है गर्मी में सर्वाधिक गर्मी पड़ेगी और ठंड में जो है सर्वाधिक ठंड पड़ेगी। इतना अभी याद कर लो, बाद में अपन जो जलवायु वाला लेक्चर देखेंगे तो और इसको अंदर डीप जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्या होती है इसकी विशेषता, गर्मी में क्या होती है सर्वाधिक गर्मी और जो है सर्दी में क्या पड़ती है सर्वाधिक ठंड पड़ती है, या शीत ऋतु में सर्वाधिक क्या पड़ती है ठंड या देखने को मिलती है। तो कौन सी जलवायु पाई जाती है, अगर आपसे कोई पूछ लेगा रीवा पन्ना के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है, हाँ 10.37% एरिया पे फैला हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो आपका क्या होना चाहिए आंसर के विंध्यशील समूह की जो कुडप्पा श्रेणी की जो चट्टाने हैं उनसे जो इसका निर्माण हुआ है। बेसिकली ये तीन चार जो अपन फैक्ट देख चुके। अब यहाँ की अगर अपन वर्षा समझ लेंगे तो वर्षा से अपन वहाँ के फॉरेस्ट के बारे में समझ लेंगे। वहाँ की अगर जो है जैसे कुडप्पा श्रेणी देख लिया आपने, तो कुडप्पा श्रेणी की विशेषता क्या होती है, यहाँ पे जो हीरे देखने को मिलते हैं कुडप्पा श्रेणी की जो बीजावर सीरीज है उसमें, तो अगर हीरे यहाँ पाए जा रहे हैं तो हीरो से संबंधित उद्योग यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो चूना पत्थर पाए जाते हैं तो सीमेंट उद्योग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, चूना पत्थर होते हैं, तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग भी अपने को देखने को मिलेंगे। तो उस टाइप से अगर आप जो है वर्षा खनिज इन दोनों को समझ गए, यहाँ की वनस्पति को समझ गए, तो आप यहाँ के उद्योगों का पर्यटन के बारे में जो है पूरा बेसिक आइडिया लगा सकते हो। जैसे अगर बात करें इसकी यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो जैसे आपको पता होगा कि भारत में वर्षा मुख्यतः जो है किससे होती है, ज्यादातर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में जो है दो शाखाओं से इंटर करता है, एक अरब सागर की शाखा से और कौन सा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा से। अगर बात करोगे अपने मध्य प्रदेश में जो है रीवा पन्ना का पठार एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी वर्षा प्राप्त करता है और किससे, अरब सागर की खाड़ी की शाखा से भी क्या करता है वर्षा प्राप्त करता है। रीवा वाला क्षेत्र जो है वहां पे दोनों शाखाएं आपस में मिलती है। यही प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा आपस में मिलती है, इस टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रीवा पन्ना का पठार होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ की अगर अपन वर्षा की बात करें तो यहाँ पे वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। कितनी, 100 से जो है 100, यहाँ देखो यहाँ वर्षा कितनी देखने को मिलती है, 100 से जो है 125 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। अगर यहाँ की अगर वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर दिखेगी तो जो ऐसे वृक्ष पाए जाएंगे कौन से, उष्णकटिबंधीय टाइप प्रकार की वृक्ष पाए जाएंगे, तो कौन से, जैसे जिनमें साल हो गए, सागौन के वृक्ष हो गए, सेमल के वृक्ष हो गए, तेंदू पत्ता जैसे वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो कौन कौन से वृक्ष हो गए, वनस्पति की अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, सागौन हो जाएगा, बांस हो जाएगा, सेमल हो जाएगा और तेंदू पत्ता जैसे वृक्ष यहाँ पे शामिल होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि कुडप्पा शैल क्रम की चट्टानों में कोई हीरा देखने को मिलता है बीजावर सीरीज में, क्या लिखा हो यहाँ पे खनिज में क्या पाया जाएगा, हीरा पाया जाएगा। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, चूना पत्थर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कोरंडम हो गया, गेरू हो गया, गेरू कहाँ, सतना के आसपास मिलेगा। मध्य प्रदेश का पूरे भारत में गेरू उत्पादन में जो है प्रथम स्थान है। 2018 की प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा था कि जो निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान देखने को मिलता है, तो कौन सा है, गेरू है। हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे भारत में, तो ये प्रश्न भी पूछ लेगा आपसे। ठीक है, क्या कि हीरा निम्न में से कौन से खनिज में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो क्या हीरा हो जाएगा। हीरा इसमें क्या लिखा हुआ है, कोष्टक में पन्ना लिखा हुआ है, तो यही प्रश्न आया था 2020 के प्रीलिम्स में, क्या आया था कि निम्नलिखित में से जो है पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रश्न आया था। तो क्या आंसर होगा उसका, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। इस टाइप के मतलब हलवा टाइप प्रश्न बोलेंगे ना अपन उसे, इस टाइप के प्रश्न भी आपके यहाँ इस वाली स्लाइड से बन जाएंगे। देखो कितने सारे प्रश्न बन गए यहाँ से, उन्होंने एक एक करके डिस्कस कर ही लिया। तो यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार की जो है वनस्पति यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, अपनों ने खनिज के बारे में डिस्कस कर लिया, अब खनिज कौन से, हीरा पाया जा रहा है और कौन सा, चूना पत्थर पाया जा रहा है, तो इससे संबंधित उद्योग यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे देखो अगर यहाँ पे उद्योगों की अगर बात करें तो कौन सा, सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि चूना पत्थर यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
इसी टाइप से देखो, हीरा मिल रहा है तो हीरा तराशने के कारखाने कहाँ मिलेंगे, यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप से अपनों ने जो है उद्योग, खनिज और वर्षा के बारे में डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ के जिलों के बारे में देख लेते तो जिले में पहले ही बता चुका हूँ आपको कि कौन कौन से, रीवा हो गया अपना, पन्ना हो गया, सतना हो गया, दमोह, कटनी, सीधी, सिंगरौली का कुछ भाग इसके अंदर शामिल होगा। इससे पहले अपनों ने जो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र पढ़ा था उसमें भी देखा था कि सीधी सिंगरौली का जो अधिकांश भाग किसके अंतर्गत शामिल होता है, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। इसका जो कुछ ऊपर का एरिया है ना सीधी सिंगरौली का, जैसे आप, जैसे ये अपना जो है एमपी, ठीक है, इस साइड पे जो है सीधी सिंगरौली पड़ते हैं, तो इनका जो कुछ ऊपर वाला एरिया ना ये रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत शामिल होता है, और जो इस वाला, ये वाला एरिया किसके अंतर्गत, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। क्लियर है यहाँ तक कोई इश्यू? ठीक है, जलवायु देख लिया आप लोगों ने, जिले देख लिए, क्षेत्रफल देख लिया, खनिज देख लिए, मिट्टी देख ली। अब यहाँ के जो है पर्यटन के ऊपर देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से जो है पर्यटन स्थल हमें देखने को मिलते हैं, और नदियों के बारे में जो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ की अगर बात करें अपन नदियों की, तो कौन कौन सी नदियां पाई जाती है, तो नीचे कौन सी, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र जो है फैला हुआ है। ठीक है, तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में अपनों ने कौन सी नदी देखी, एक तो नर्मदा नदी देखी थी जो कहाँ, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती, तो वो तो इस साइड पे आएगी नहीं। एक नदी देखी थी अपनों ने कौन सी, सोन नदी देखी थी, तो सोन नदी इसकी जो है प्रमुख नदी देखने को मिलती। इसके अलावा अपनों ने केन नदी जो है यहाँ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी, इसके अलावा जो सोन नदी और केन नदी की जो भी सहायक नदियां है वो भी इस पठार के अंतर्गत जो है अपने शामिल होने वाली है। तो देखो कौन कौन सी, सोन हो जाएगा, केन हो जाएगा, टोंस नदी हो जाएगा जो सतना से ही जो है अपना उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद जो अपन जो नदियों के बारे में भी डिस्कस करने वाले, तो वहां और चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अगर बात करें कौन सी, कैमूर, ये प्रश्न पूछा हुआ था, ये 2019 या 18 के प्रीलिम्स में पूछा हुआ था। निम्नलिखित में से जो कौन सी श्रेणी जो है गंगा नदी अपवाह तंत्र और यमुना नदी अपवाह तंत्र को क्या करती है, पृथक करती है, तो उसका आंसर क्या था, कैमूर श्रेणी। कैमूर कहाँ है, लोकेशन अपन देख चुके हैं कहाँ पे, रीवा पन्ना के पठार में देखने को मिलती है इस साइड पे। ठीक है, तो अगर इस साइड पे देखोगे तो ये यहाँ पे कौन सी नदी बह रही है, सोन नदी बह रही है। ठीक है, तो सोन नदी क्या इस कैमूर श्रेणी की जो समानांतर चलती है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी देखने को मिलती है। इस टाइप से यहाँ कौन सी बेतवा, केन वगैरह नदियां प्रवाहित हो रही, तो वो किसमें मिलती है, यमुना नदी में जाकर मिलती है। तो क्या पृथक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गंगा नदी अपवाह तंत्र और यमुना नदी अपवाह तंत्र, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है। इस वाली स्लाइड से मतलब बहुत सारे आपके प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे क्या लिखा हुआ है, कैमूर और भांडेर कगारों में गंगा और नर्मदा का क्या करती है, नर्मदा का कैसे, यहाँ पे जैसे कौन सी, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पैरेलल कौन सा, विंध्य प्रदेश पट रहा है अपना, विंध्यांचल पट रहा है, तो विंध्यांचल के इस साइड पे कौन सी नर्मदा नदी, तो ये एक नदी इधर जा रही है एक इधर चल रही, तो इनके बीच में भी जल विभाजक का काम कर रही है। इसके अलावा कौन सी, यहाँ पे यमुना नदी अपवाह तंत्र और गंगा नदी अपवाह तंत्र के मध्य भी क्या कर रही है, कैमूर श्रेणी जल विभाजक का कार्य कर रही। जल विभाजक क्या होती है, जल विभाजक से मतलब होता है कि जैसे गंगा नदी अपवाह तंत्र अलग है, मतलब अपवाह तंत्र से क्या तात्पर्य, मेन गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां होती उन सभी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसको जो है अपवाह श्रेणी बोला जाता है, अपवाह जो क्षेत्र बोला जाता है। तो जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां और जो यमुना नदी और उनकी सहायक नदियां, तो ये क्या हो गए, दो अलग अलग जो है अपवाह तंत्र हो गए। तो इनके बीच में जो जो चीज होगी जो इन दोनों को जो है पृथक पृथक करेगी उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, तो उसका बोला जाता है जल विभाजक बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, तो कोई डाउट नहीं होगा। एक एक करके अपन क्या क्या देख चुके हैं, इसमें नदियां देख चुके हैं, वर्षा देख चुके हैं, खनिज देख चुके हैं, ठीक है, मिट्टी देख चुके हैं। मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पर, दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी, दोमट मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोमट मिट्टी जो पाई जाती है तो उसमें कौन कौन सी फसलें हो सकती है, तिलहनी फसलें हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा कौन सा, गेहूं हो सकता है, बड़े मोटे अनाज हो सकते हैं और तिलहनी फसलें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले देखे थे अपनों ने, सतना देखा था, तो सतना में क्या फेमस है, चित्रकूट फेमस है। ठीक है, चित्रकूट में क्या, माता सती अनुसुईया का जो आश्रम वगैरह देखेंगे, मंदाकिनी नदी के किनारे रामघाट वगैरह अपन देखेंगे, तो वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल होगी। कौन कौन सी, देखो चित्रकूट, उसी के बाद सतना जिले में ही क्या है, मेहर है, हालांकि अब तो मेहर एक पृथक जिला बन गया है, अभी बना हाल फिलहाल में। तो कौन सा, चित्रकूट, सतना, मेहर का क्या, शारदा माता मंदिर। उसके अलावा रीवा में अपन देखेंगे कौन से, बहुटी जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, चचे जलप्रपात, ऐसे जो है प्राकृतिक पर्यटन स्थल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन से, चचे जलप्रपात जो है, केवटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा है। इसके उपविभाजन की अगर बात करें तो वही है, तीन उपविभाजन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन सा, एक देखने को मिलेगा रीवा का पठार, एक देखने को मिलेगा भांडेर का पठार, और एक कौन सा देखने को मिलेगा अपना ब्रह्मो का पठार।
ठीक है, एक एक करके अपन इसके सारे डायमेंशन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कहीं कोई इशू हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आ रहा हो तो बताओ। ठीक है, क्लियर है? रीवा पन्ना का पठार क्लियर हो गया अपना। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र अपन कल पढ़ चुके थे। अब इसके आगे देखते हैं अपन किसके बारे में, सतपुड़ा श्रेणी के बारे में देखते हैं। किसके? सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लेना, यूट्यूब पे जाके आज डलवा देंगे अपन, तो आपको क्या सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एप्लीकेशन में भी डले रहेंगे, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद देखा था अपनों ने कौन से, अपना एक भौतिक विभाजन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश वाला। बेसिकली मध्य प्रदेश को तीन भौतिक विभाजनों में बांटा जाता है, एक मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और एक कौन सा, पूर्वी पठार। तो अपनों ने जो है मध्य उच्च प्रदेश देख लिया, उसके अंतर्गत जो है पांच छोटे छोटे विभाजन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार देख लिया अपनों ने, रीवा पन्ना का पठार अभी देखा, इससे पहले बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब दो और बचे अपने, कौन सा? सतपुड़ा मेकल श्रेणी और कौन सा बचा? पूर्वी पठार। तो उसके पूर्वी पठार के अंतर्गत जो है बघेलखंड का पठार अपना शामिल होता है। तो ठीक, अब देखते हैं इसके ऊपर, किसके ऊपर? अपन सतपुड़ा मेकल श्रेणी के ऊपर डिस्कस कर लेते। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी आप मध्य प्रदेश का जो मैप देखोगे तो उसमें कहाँ देखने को मिलती, ये अपना प्यारा मध्य प्रदेश हो गया, तो जो है दक्षिण में बिल्कुल ऐसे फैली हुई है। पर ये जो श्रेणी है समानांतर फैली हुई नहीं है, यहाँ पर जो कटी छटी रूप से फैली हुई है, इसको मुख्यतः तीन भागों में जो है डिवाइड करके अपन पढ़ सकते हैं। इसका जो पश्चिमी भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? राज पिपला के नाम से जो है इसको जाना जाता है। किसके नाम से? राज पिपला के नाम से जाना जाता है। इसका जो मध्य भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो पश्चिमी भाग है उसको जो है मेकल श्रेणी के नाम से अपन संबोधित करते हैं। किस नाम से? मेकल श्रेणी के नाम से संबोधित करते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक एक करके और देख लेते हैं। अगर इसकी स्थिति देखोगे ये वाली, तो इसके दक्षिण में क्या पड़ेगा अपना? महाराष्ट्र पड़ेगा, क्योंकि अपन दक्षिण में किससे सीमा साझा करते? महाराष्ट्र से करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ इस साइड पे आ जाएगा अपना, है ना, वो भी आएगा इसके अंतर्गत देखेंगे अपन। ठीक है, इसके उत्तर में क्या पड़ेगा? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र पड़ जाएगा। ठीक है, इसके अगर बात करेंगे पूर्व में कौन पड़ जाएगा? छत्तीसगढ़ यहाँ पे पड़ जाएगा। और इसके पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई, तो कौन सा पड़ जाएगा अपना? गुजरात पड़ जाएगा। ये इसकी जो है ओवरऑल अपन लोकेशन देख लेते। तो अगर देखो इसकी लोकेशन कहाँ पे, अगर बात करेंगे यहाँ से, कहाँ से? राजपिपला से। कहाँ से? मेकल श्रेणी अमरकंटक तक जो है फैली हुई देखने को मिलती है। यहाँ मध्य प्रदेश में जो है बुरहानपुर के आसपास जो है बुरहानपुर दर्रा, वहां से जो है ये श्रेणी स्टार्ट होती है। बेसिकली ये आती किधर से? गुजरात से लेकर जो है समानांतर और आगे तक फैली हुई। पर हमें मध्य प्रदेश के परिपेक्ष भी देखना है अभी, इसके बाद अपन देखेंगे कौन सी पर्वत श्रेणी वाला चैप्टर, तो उसमें और इसके अंदर जाके डिस्कस कर लेंगे। तो इतना देखो आप, जैसे कहाँ तक ये जो है नर्मदा, अगर बात करोगे इसके, तो यहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित होती? नर्मदा नदी प्रवाहित होती। और जो है इसके दक्षिण में कौन सी? ताप्ती नदी जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यही लिखा हुआ है, देखो जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पे स्थित है, यही पूछ लेगा आपसे। निम्न में से किन नदियों की जो है मध्य सतपुड़ा श्रेणी जो है स्थित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य जो है कौन सी श्रेणी स्थित है अपनी? सतपुड़ा की श्रेणी स्थित है। अगर बात करोगे इसके दक्षिण पश्चिम पूर्व में जो है कौन सा, दक्षिण पश्चिम और पूर्व में कौन सा? अमरकंटक अपना क्षेत्र देखने को मिलता है। मैंने बताइए वहां पे क्या है अपना? अमरकंटक देखने को मिलता है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर बात करेंगे इसके उत्तर में तो क्या है? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है। इसके दक्षिण की अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? महाराष्ट्र आ जाएगा। इसकी अगर बात करेंगे पूर्व में क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, और अगर बात करेंगे इसके उत्तर पूर्व में अगर बात करेंगे, ये क्या है? ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। और इस साइड पे क्या देखने को मिलेगा? बघेलखंड देखने को मिलेगा। इसके बाद इसी के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले। तो इसके उत्तर पूर्व में क्या देखने को मिलेगा? बघेलखंड देखने को मिलेगा। तो इसके ओवरऑल आप लोकेशन समझ चुके कि अगर मध्य प्रदेश में जब भी अगर आपसे जो है सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बारे में पूछे, तो आपकी एक मतलब ओवरऑल इमेज बन जाएगी अब तो कि माइंड में कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक है, तो ये देख लिया। अगर बात करेंगे तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण अपनों ने जैसे पिछले वाले लेक्चर में जो अपनों ने चट्टानों के बारे में पढ़ा था,
तो एक वाला रीजन बताया था, यहाँ पे जो है कौन से गोंडवाना क्रम की जो है चट्टाने पाई जाती है। उसके अलावा जो है ये पूरा क्षेत्र जो है दक्कन ट्रेप के अंतर्गत आता है। दक्कन ट्रेप क्या होता है, क्रिटेशियस काल के आसपास जो है यहाँ पर एक दरारी उद्भेदन हुआ ज्वालामुखी का, ठीक है। उससे जो लावा निकला उससे क्या हुआ, यहाँ पे जो है बेसिकली बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, उन्हीं से कालांतर में चलकर काली मिट्टी और जो है किसका दक्कन के पठार का निर्माण हुआ, ठीक है। तो कौन कौन से इससे किस किस से निर्माण हुआ, इस साइड में गोंडवाना शील की चट्टानों से, और कौन से दक्कन ट्रेप से जो इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर है, तो इधर देखो इसका निर्माण कैसे हुआ, दक्कन ट्रेप और गोंडवाना शेल समूह की जो है चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो आपसे पूछ लेगा कि जो है निम्न जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, गोंडवाना शेल समूह की चट्टानों से जो इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इतना देख चुके हैं, अब बात करते हैं जो इसकी तीन प्रमुख श्रेणियां होती है, ये अपन मैं आपको बता ही चुका कितनी श्रेणियां होती है। इस साइड पर राजपिपला, महादेव और कौन सी मेकल श्रेणी होती है, तो एक एक करके जो अपन इन सभी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ आकर अच्छे से समझ लोगे तो इसके बाद वाला लेक्चर में अपन जो है सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां भी जो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जैसे ये लेक्चर एंड होगा उसके बाद अपन पर्वत श्रेणियां पढ़ लेंगे मध्य प्रदेश की, तो उसमें भी मैं यही पढ़ूंगा सतपुड़ा मेकल श्रेणी। अगर आपने यहाँ समझ लिया तो वहां आपको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, तो अगर कोई भी मन में डाउट हो तो आप यही पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अब बात करते हैं किसी राजपिपला पर्वत श्रेणी की, तो राजपिपला पर्वत श्रेणी जो है लगभग गुजरात से स्टार्ट होती है, कहाँ से, गुजरात से, और कहाँ तक, मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर वाला क्षेत्र है, तो बुरहानपुर के वहां एक दर्रा देखने को मिलता है। दर्रा बेसिकली क्या होता है ये पता है आपको, दो पर्वत श्रेणी, मान लो ये एक पर्वत श्रेणी हो गई और एक पर्वत श्रेणी ये हो गई, तो इसके मध्य का जो एक सकरी घाटी वाला जो रीजन होता है जिसे अपन रास्ते के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, बेसिकली आवागमन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उसको जो है दर्रे के नाम से संबोधित किया जाता है। किसके नाम से, दर्रा, पास, इसको इंग्लिश में पास भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक दो पर्वत श्रेणी के मध्य का जो है क्षेत्र होता है जिसे आम रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्या होता है, दर्रा होता है, बेसिकली आप नॉर्मल वे में इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो कहाँ तक फैली हुई, गुजरात तथा मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा में कहाँ तक, बुरहानपुर दर्रे तक ये फैली हुई है, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर बात करें तो इसका जो है मैंने बताया कि ये जो है समानांतर रूप में फैली हुई नहीं, काफी कटी चटी पे क्या है, कटा फटा इलाका देखने को मिलता है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी 1215 है, 1325 नहीं, 1215 मीटर है। और इस जो है कौन सी राजपिपला पर्वत श्रेणी की जो सबसे, या राजपिपला श्रेणी जो है राजपिपला अपनी, इसकी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी चूलगिरी, क्या, चूलगिरी आपको याद रखना है, चूलगिरी देखने को मिलेगी, ठीक है। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट, तो अभी तक क्या क्या देख चुके अपन, लोकेशन देख चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, और राजपिपला पर्वत श्रेणी के बारे में थोड़ा बहुत अपन समझ चुके हैं कि कहां से कहां तक फैली हुई है, ठीक है। तो कहाँ से, गुजरात से लेकर कहाँ तक, बुरहानपुर दर्रे तक ये फैली हुई है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी, चूलगिरी के ऊपर, देखा कितनी ऊंचाई इसकी, बस 1215 मीटर देखने को मिलेगी। इसके बाद कौन सी आएगी, अगर बात करें इसमें, ये महादेव श्रेणी, बेसिकली सतपुड़ा श्रेणी या महादेव श्रेणी के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। दूसरा भाग क्या आ जाएगा अपना, महादेव श्रेणी, ठीक है। अगर महादेव श्रेणी की अगर बात करें तो कहाँ से, इसके जिले अगर देखेंगे अपन, कौन सा, बैतूल, ठीक है, छिंदवाड़ा, महादेव पर्वत, ये सभी इसके अंदर शामिल होते हैं। कौन कौन से, बैतूल वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है, महादेव पर्वत वाला रीजन हो जाएगा, जिसके अंदर कौन सा अपना होशंगाबाद, पंचमढ़ी वगैरह, ये सभी इलाके इसके अंदर शामिल होंगे। अगर आपको पता होगा कि पंचमढ़ी में जो है अपने कौन सी देखने को मिलेगी, धूपगढ़ देखने को मिलेगी, और धूपगढ़ जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। मध्य प्रदेश के जो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे आप, 12, 13, 14, 15 के, तो उनमें इस टाइप का प्रश्न पूछा हुआ है कि धूपगढ़ जो चोटी है वो निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है, तो महादेव श्रेणी में स्थित है, इस टाइप के प्रश्न पूछ लेगा। आगे चल के ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि जो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। ये जो है जो अपनी कौन सी धूपगढ़, इसके बारे में तीन चार फैक्ट याद रख लो, कैसे, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर, कहाँ स्थित है, पंचमढ़ी में स्थित है, ठीक है, सतपुड़ा की, ओवरऑल सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ ही क्या है, मध्य प्रदेश की जो क्या है सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी देखने को मिलेगी, जो है धूपगढ़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट, ठीक, ये तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसी से आप उतार सकते हो आराम से, है ना, अभी समझ लो मैम, क्योंकि ये तो क्या लिखा हुआ है अपने पास, तो कहीं नहीं जा रहा है। अरे एक मिनट, कहाँ चले गया,
फिर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इरेज हो गया हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो कौन सी राजपीपला हो गई? महादेव पर्वत श्रेणी के बारे में अपनों ने देख लिया, कौन कौन से जिले, बैतूल आ जाएगा, महादेव पर्वत श्रेणी आ जाएगा, इसके अलावा कौन सा अपना जो धूपगढ़ वाला रीजन इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी अपनों ने देख ली कौन सी है, धूपगढ़ है, वही लिखा हुआ है देख सकते हो आप, कि इसके अंतर्गत जिले कौन से शामिल है, जो इसके अंतर्गत जिले है अपने कौन से, बैतूल, छिंदवाड़ा, महादेव पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ देखने को मिलती है, वही बताया मैंने आपको। ठीक है, राजपिपला की पूर्व में एक चौड़ी पट्टी श्रेणी है, इसके कई इसके जो है और हिस्से भी देखने को मिलते हैं, एक ग्वालियर जो है श्रेणी और महादेव, इसको जो है आगे अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप इतना देख लो बस खाली, ये कौन कौन से, एक सतपुड़ा पढ़ लिया अपनों ने, महादेव पढ़ लिया, आप देखते हैं मेकल पर्वत श्रेणी के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहाँ पूर्व की ओर स्थित है, यहाँ पे। ठीक है, कैसी फैली हुई, एक अर्ध चंद्राकार रूप में फैली हुई, कैसी, एक आधे चंद्रमा के रूप में फैली हुई। ठीक है, तो वही लिखा हुआ देखो, सतपुड़ा के मध्य प्रदेश की जो है पूर्वी हिस्सा है, वही बताया मेरे। ठीक है, अगर बात करो कि ओवरऑल सतपुड़ा जो अपना कौन सी राजपिपला और महादेव के कंपैरिजन में जो है मेकल पर्वत श्रेणी थोड़ी चौड़ी देखने को मिलती है, तो क्या देखने को मिले, ये जो है अधिक चौड़ा है, कैसा है, अर्ध चंद्राकार भाग है, मैंने बताया कि कैसे आधे चंद्रमा जैसे ये फैला हुआ है, तो कैसा भाग हो जाएगा, अर्ध चंद्राकार भाग हो जाएगा। अब मेकल का जैसे मेकल जो पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की क्या सीमा पे स्थित है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश वाला हिस्सा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे स्थित है कौन सी, मेकल पर्वत श्रेणी। तो यहीं पे अगर है ना एक घाटी देखने को मिलती, कौन सी, किरार घाटी देखने को मिलती, तो किरार घाटी को लेकर जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है कुछ विवाद देखने को मिलते हैं। जो किरार घाटी वाला कुछ एरिया है ना उसको जो है मध्य प्रदेश अपना हिस्सा कंसिडर करता है, और जो कुछ उसको छत्तीसगढ़ भी अपना हिस्सा कंसिडर करता है। तो कई कई किताबों में जैसे आपको पता होगा मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल कितना है, 308 252 किलोमीटर स्क्वायर, अधिकतर किताबों में यही देखने को मिलता है। कुछ जो है परंपरागत किताब उनमें क्या देखने को मिलता है, 308 245 किलोमीटर स्क्वायर भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये जो 7 किलोमीटर का डिफरेंस आता है ना, ये इसी क्षेत्र के कारण आता है, किरार घाटी के कारण। पर आपको जो है याद क्या रखना है, 308 252 किलोमीटर स्क्वायर ये मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर आपको किताबों में कहीं कहीं 308 245 भी मिले ना, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये जो 7 किलोमीटर का जो डिफरेंस है ना, ये किरार घाटी जो विवाद है इसके कारण देखने को मिलता है। ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने। अब आपको पता होगा अमरकंटक जो है अपना, अमरकंटक से जो है 3 नदियों का उद्गम होता है, किसका, नर्मदा नदी का, सोन नदी का और जोहिला नदी का जो है उद्गम होता है। इसके बाद अपन नदियां पढ़ेंगे तो वहां और अच्छे से इसको डिस्कस करने वाले हैं, पूरा मैं डायग्राम बताऊंगा आपको, उससे समझ सकते हो आप। ठीक है, अमरकंटक, अमरकंटक के पठार से किसका, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। अगर इसकी भौतिक स्थिति अपन देख ही चुके हैं, ये इतने काम की भी नहीं, इसका अक्षांश देशांतरी विस्तार फिर भी देख लो। अगर इसके अक्षांश विस्तार की अगर बात करें तो कितना, 21 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना फैला हुआ है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर इसके देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो कितना, 74 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर ये मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुल क्षेत्र की लगभग जो है, मध्य प्रदेश के ओवरऑल क्षेत्र की लगभग 11% एरिया पर ये फैला हुआ, कितना, 11% एरिया पर फैला हुआ, यही लिखा हुआ, कितने, 11% एरिया पर ये फैला हुआ है। अगर अगर क्षेत्रफल वाइज अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। परसेंटेज याद रख लो, कितने परसेंट पर, 11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इससे पहले अपन रीवा पन्ना के पठार के बारे में पढ़ा था, तो उसका क्षेत्रफल क्या पढ़ा था अपनों ने, 37। ठीक है, तो ऐसे मतलब पिछला भी याद रखना, ऐसा नहीं कि अपन आगे बढ़ते जा रहे और पीछा पीछा सपाट होता जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत जिलों की अगर बात करें तो कौन कौन से जिले, तो यही से उठाओ डायरेक्ट जिले, कहाँ से, जैसे ये अपना मध्य प्रदेश, आपको ऐसे जिले याद हो जाएंगे।
मैप की तो मतलब आपको ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मतलब सेकेंडों में बन जाना चाहिए आपका मैप, तभी मतलब मेंस में काम हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी फिर। ठीक है, पेन चेंज कर लेते। तो कहाँ से फैली हुई है? इस साइड पे फैली हुई ये श्रेणी पूरी देखने को मिलती है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, कुछ क्षेत्र इसका किसका, झाबुआ का, और कुछ क्षेत्र अलीराजपुर का आ जाएगा। ठीक है, फिर बुरहानपुर का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा, बुरहानपुर दर्रा आप लोगों ने पढ़ा। खंडवा खरगोन का क्षेत्र आ जाएगा, खरगोन खंडवा का। ठीक है, उसके बाद जो कौन सा आ जाएगा अपना, कुछ हाँ हरदा वगैरह का, और कुछ जो है किसका, बड़वानी थोड़ा नीचे रह जाएगा। ठीक है, बड़वानी वाला भी कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल हुआ। ठीक है, इस टाइप से जो कौन सा हरदा वाला रीजन और कौन सा कुछ देवास वाला क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल हुआ। इसके अलावा कुछ होशंगाबाद देखा, महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अपनों ने, उसमें पंचमढ़ी देखा वगैरह, तो होशंगाबाद वाला रीजन शामिल हो जाएगा। नरसिंहगढ़, इसके साथ ही जो है रायसेन वाला कुछ रीजन इसके अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा नरसिंहगढ़ वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, मंडा वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा छिंदवाड़ा वाला रीजन कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल हो जाएगा। नरसिंहपुर वाला क्षेत्र शामिल हो जाएगा। जबलपुर थोड़ा ऊपर रह जाएगा इस पर। ठीक है, जबलपुर नहीं आएगा इसके अंदर का। ये जबलपुर अपनों ने पढ़ा तो था, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये अपन देख चुके हैं कौन कौन से, मंडला हो गया, नरसिंहपुर हो गया, जो है बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, और कौन सा अनूपपुर वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो ये अभी अपन जिलों के ऊपर जो है क्रम से डिस्कस कर चुके। देखो यहाँ जिले देखो आप, वही लिखा हुआ है। जिले कौन कौन से, इधर से देखो, ये बड़वानी देख लिया अपनों ने। ठीक है, उसके अलावा हरदा देख लिया, खंडवा, खरगोन, बैतूल, बुरहानपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, शिवनी। ठीक है, ये सारी चीजें, होशंगाबाद का पंचमढ़ी क्षेत्र, अलीराजपुर वगैरह का कुछ भाग इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये अभी अपनों ने मैप में ड्रॉ करके सारे देख लेगी कौन कौन से जिले होने चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट आना चाहिए आपको। ठीक है, और 11% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। कितना, 11% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ। और अगर बात करें तो कितना, 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये देखने को मिलता है। अगर यहाँ की जलवायु की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती, यहाँ पाई जाती मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र जब पढ़ा था अपनों ने तो मानसूनी प्रकार की जलवायु के ऊपर डिस्कस करा था। मानसूनी जलवायु की विशेषता यह होती है कि यहाँ जो है गर्मी में क्या पड़ती है, सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, और ठंड में पड़ती है, साधारण ठंड पड़ती है। क्यों पड़ती है, लगभग जो है मानसूनी कर्क रेखा के आसपास ये रीजन स्थित है, इसलिए क्या पड़ती है यहाँ पे, सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। देखो मानसूनी प्रकार की जलवायु अर्थात क्या होता है, गर्मी में क्या पड़ेगी, अधिक गर्मी पड़ेगी, और ठंड में क्या पड़ेगी, साधारण ठंड पड़ेगी। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लेंगे, निम्नलिखित में से जो है मानसूनी प्रकार की जलवायु की क्या विशेषता है, ये पूछ लेंगे। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की क्या विशेषता है। ऐसे अब ट्रेंड बदलता जा रहा है, पीएससी कुछ कूट टाइप प्रश्न भी जो है बनाते जा रही है, तो इस टाइप के प्रश्न भी आपसे आ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ की वर्षा की अगर बात करें तो वर्षा ओवरऑल अच्छी होती है। जो पंचमढ़ी वाला क्षेत्र है वहां पे लगभग 199 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ होगी, जो है पंचमढ़ी में सबसे ज्यादा वर्षा होती। इस बार प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती, तो उसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे जैसे नरसिंहपुर दे रखा था, मंडला दे रखा था, और दो तीन और दूसरा ऑप्शन देख रहे थे, तो उसमें अगर अपनों ने क्या देखा कि मंडला किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है, सतपुड़ा मिकल श्रेणी को, और अपनों ने जो क्या देखा कि यहाँ पे वर्षा अच्छी खासी होती, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, मंडला आंसर होगा। तो अगर ऐसा अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में आइडिया है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आप डील कर लोगे, बड़ा इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती, तो मानसूनी प्रकार की जलवायु देखने को मिलती। वर्षा कितनी होती, तो 200 सेंटीमीटर जो है आपको वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती, किसमें, पंचमढ़ी वाले रीजन में। और ओवरऑल अगर इसकी बात करें इस पठार की, तो इसमें लगभग 125 से जो है 150 सेंटीमीटर आपको वर्षा देखने को मिलती है। कितनी, 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा देखने को मिलती। कौन सा, नहीं होशंगाबाद में आता है। ठीक है, अगर अगर यहाँ की जो है मिट्टी की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली दो प्रकार की मिट्टी यहाँ देखने को मिलेगी। जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर यहाँ पर काली मिट्टी देखने को मिलेगी, और इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर बलुई या दोमट मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, अगर मिट्टी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, अपनों ने देखा था कि काली मिट्टी का जो है तीन प्रकार की काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। एक होती साधारण काली मिट्टी, एक होती गहरी काली मिट्टी, और एक होती छिछली काली मिट्टी। अगर पूरे मध्य प्रदेश में ओवरऑल देखोगे तो सबसे ज्यादा पाई जाती है साधारण काली मिट्टी। ठीक है,
जो है कौन सी गहरी काली मिट्टी पाई जाती, कुछ मालवा का क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होता है, और मुख्यतः कौन सा नर्मदा मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र इसके अंतर्गत जो है जहाँ पे काली मिट्टी अपने को देखने को मिलती। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती, एक साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और कौन सी बलुई मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। फसलों की अगर बात करें तो अगर यहाँ पे कौन सी अब काली मिट्टी पाई जा रही है, पानी भी अच्छा गिर रहा है, तो कौन सी फसलें होगी जहाँ पे जिन फसलों में अपने ज्यादा पानी दे सके ऐसी फसलें यहाँ उगाएंगे, जैसे कपास हो गया अपना, सोयाबीन हो गया। ठीक है, ये देखो ज्वार, गेहूं, अलसी, सोयाबीन, कपास और चावल वगैरह वाला रीजन। चावल का बेसिकली जो है पूर्वी क्षेत्र में यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, कंपेरिजन में अपन देख ही चुके हैं, तो वर्षा ज्यादा होगी तो धान की खेती आसानी से हो सकती है कि नहीं हो सकती, आराम से हो सकती है। जैसे बालाघाट में जो है अभी GIT मिला था हाल फिलहाल में चिन्नौर चावल को, तो बेसिकली कहाँ उत्पादन होता है, बालाघाट में होता है, तो ऐसे जैसे धान की खेती हो जाएगी। ठीक है, लखनादौन शिवनी वाला जो क्षेत्र है वो अपने जो है काली मूछ वाले जो चावल है उनके लिए बहुत फेमस है। देखो ये लिखा हुआ सिवनी का लखनादौन अपनी काली मूछ वाले चावल के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बालाघाट वाला क्षेत्र जो है अपने चिन्नौर चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोयाबीन का उत्पादन ये अच्छा खासा होता है। ठीक है, खंडवा और खरगोन में जो है कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए इनको सुनहरे जिले के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, ये फैक्चुअल डाटा है। जब अपन मध्य प्रदेश की कृषि पढ़ेंगे ना, तब अपन सारे फसलों के ऊपर कौन कौन से क्षेत्र में जो है फसलें उगाई जाती है, कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है, कब इन फसलों की जो बुवाई होती है, कब कटाई होती है, इन सभी के ऊपर उसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो अपन क्या क्या देख चुके हैं, इसकी जलवायु देख चुके हैं, वर्षा देख चुके हैं और मिट्टी और फसलें देख चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ की वनस्पति की, कि यहाँ वनस्पति कौन सी पाई जाती। पानी अच्छा गिर रहा है तो कैसी भी नहीं, उष्ण कटिबंधी जो है मानसूरी पर्णपाती प्रकार की, यह कौन सी पर्णपाती प्रकार की यहाँ पे वन देखने को मिलेगी। पानी अच्छा गिर रहा है कंपेरिजन में तो आधे पत्ते गिराएंगे पौधे, तो अर्ध पर्णपाती प्रकार की वनस्पति यहाँ देखने को मिलेगी। कौन सी, उष्ण कटिबंधी अर्ध पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से वृक्ष देखने को मिलेंगे, साल के वृक्ष हो गए, सागौन के वृक्ष हो गए, इस टाइप के जो है वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन से, सागौन हो गया अपना, साल हो गया, पीपल हो गया, जामुन हो गया, बांस वाला वृक्ष हो गया, ये सभी अपने अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपन देख चुके। यहाँ की प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो नदियां कौन सी, एक तो इसमें जो अपना क्या देख चुके जो है नर्मदा नदी और जो है सोन नदी, ये अपनी ताप्ती नदी के बीच में फैला हुआ है, तो कौन सी, नर्मदा नदी, और जो इसके समानांतर बहती है। ताप्ती नदी का उद्गम अपन देखेंगे तो इसी श्रेणी से होता है, तो ताप्ती नदी यहाँ की प्रमुख नदी हो जाएगी। इसके अलावा आप देखोगे जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगी, वैनगंगा नदी, वर्धा नदी, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होगी। कौन कौन सी, देखो इस पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी, जो इसके समानांतर प्रवाहित होती है। इसके अलावा कौन सी नदी हो जाएगी, ताप्ती नदी हो जाएगी अपनी, वैनगंगा नदी हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी, तवा हो जाएगी। तवा किसकी, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत शामिल होने वाली प्रमुख नदियां है। इसके अलावा जो वैनगंगा हो गई, ये सभी वर्धा हो गई, ये सभी जो है इसके अंतर्गत शामिल होने वाली नदियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर यहाँ के खनिजों की अगर बात करें तो आपको पता है जैसे बालाघाट वाला रीजन है वहां पे मैग्नीज हो गया, तांबा उत्पादन हो गया, ये जो है सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपनों ने देखा कि ये देख चुके हैं जैसे अपन की जहां जहां गोंडवाना क्रम की चट्टाने पाई जाती है वहां वहां जो है कोयला देखने को मिलेगा आपको। क्या देखने को मिलेगा, कोयला देखने को मिलेगा। तो अपनों ने देखा कि इसका निर्माण कैसे हुआ, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से इसका फॉर्मेशन हुआ। तो जब चट्टान से फॉर्मेशन हुआ तो ये कोयला भी मिलेगा, इसी सिंपल सी बात। जो बैतूल वाला रीजन है जहाँ पे पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र हो गया, इस टाइप के जो कोयला क्षेत्र, तो वहां पे क्या मिलता है, कोयला भी मिलता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से खनिज हो गए, तीन देख चुके अपन। कौन कौन से, एक देख लिया अपनों ने तांबा बालाघाट में, मैग्नीज देख लिया, और कौन सा देख लिया, कोयला। इसके अलावा और कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसके अलावा और खनिजों की अगर बात करें, देखो ये लिखा हुआ, ये देखा खनिज। ठीक है, खनिजों की दृष्टि से काफी संपन्न पठार है, देख ही चुके अपन। ठीक है, मुख्य रूप से कौन सा, मैग्नीज कहाँ होता है, बालाघाट में देखने को मिलेगा, बालाघाट छिंदवाड़ा, कोयला, तांबा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का एस का है, कौन सा, बॉक्साइट। ठीक है, उसके अलावा ग्रेफाइट देखने को मिलेगा बैतूल जिले में, और लोहे एस्क के भंडार देखने को मिलेंगे। कौन कौन से खनिज हो गए, जो है ग्रेफाइट हो जाएगा अपना, लोहे एस्क हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है, तांबा हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, इस टाइप से जो यहाँ पर खनिज अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये लगभग लगभग इसके सारे पॉइंटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ के जो पर्यटन स्थल और उद्योगों के ऊपर अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से उद्योग यहाँ शामिल देखने को मिलते हैं। नहीं, वो चट्टानों के ऊपर रहता है खनिज का,
कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ना वो किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, जो वर्षा के ऊपर डिपेंड करेंगे वहाँ के फॉरेस्ट हो गए, वहाँ किस टाइप की कृषि हो रही है, क्योंकि अगर पानी ज्यादा होगा तो उसी टाइप की फसलें वो लोग उगाएंगे, अगर वहाँ जो है ज्यादा पानी गिरेगा तो उसी टाइप की वनस्पति आपको वहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। इस टाइप की जो है आप उससे आइडिया लगा सकते हो, किससे, वर्षा से, कि वहाँ किस टाइप की वन वगैरह देखने को मिलेंगे इससे। अगर यहाँ के उद्योग की अगर बात करें तो कौन कौन से उद्योग हो जाएंगे, देखो बांस का उत्पादन हो रहा है तो कागज बनता है बांस से, ठीक है, तो कागज उद्योग यहाँ देखने को मिलेंगे। कौन से, देखो यहाँ प्रमुख उद्योग कौन सा है, नेपाल नगर बुरहानपुर वाला रीजन जो क्या है, कागज मिल फैक्ट्री देखने को मिलती। उसके अलावा जो कौन सा, जो सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, खंडवा खरगोन की बुरहानपुर का, कपड़ा उद्योग कैसे मिलेगा क्योंकि यहाँ कपास का प्रोडक्शन हो रहा है, अपन देख ही चुके हैं बुरहानपुर वगैरह में, ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे खनिज ये जो देखने को मिलेगा। इसके अलावा पावर लूम उद्योग, जो हथकरघा उद्योग, जो एग्रो कॉम्प्लेक्स वगैरह यहाँ देखने को मिलते हैं बेसिकली, है ना। अब याद रखना आपको कौन से पर्यटन स्थल के बारे में, तो पर्यटन स्थल यहाँ पे कौन कौन से देखने को मिलेंगे, पंचमढ़ी बिल्कुल, और कौन से, कान्हा किसली नेशनल पार्क, ओकारेश्वर, महेश्वर, इंदिरा सागर डैम हो जाएगा, इंदिरा सागर डैम में हनुमंतिया टापू, ठीक है, वो हो जाएगा अपना, ठीक है, और कौन से स्थल हो जाएंगे, ठीक है, जैसे हाँ दुग जल प्रपात नहीं वो उसमें आएगा, नर्मदा सोनगढ़ पर, हाँ अमरकंटक वाले रीजन में बिल्कुल लिख सकते हैं उसको, ठीक है, जो है अमरकंटक वाला रीजन हो जाएगा जहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, हमने तीन नदियों का, वो दर्शनीय स्थल हो जाएगा अमरकंटक में ही, जैसे माई की बगिया वगैरह ये देखने को मिलेंगे तो हो जाएगा। उसके अलावा जो है छिंदवाड़ा वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, पातालकोट, तो वो वाला रीजन इसके अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है, अपनों ने और ज्यादा डिस्कस कर लिया इसमें। उसके अलावा जो है कुछ किले भी देखने को मिलेंगे, जैसे बालाघाट में लांजी का किला देखने को मिलेगा, इस टाइप से जो है देखने को मिलते हैं। कौन सा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा अपना शिवनी के आसपास वाला, शिवनी छिंदवाड़ा में, लांजी का किला, गोटमार का मेला कहाँ लगता है छिंदवाड़ा में, ये प्रश्न आया था किसमें, 2021 के प्रीलिम्स में, कि गोटमार का मेला निम्न में से कहाँ लगता है, छिंदवाड़ा में लगता है, तो ये प्रश्न मैं बोलता रहा हूँ, इस वाली स्लाइड से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा में, ठीक है, ये सभी, और पर्यटक, अब यही प्रश्न आ गया आपसे कि पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो पंचमढ़ी को कहा जाता है। पीएससी में आए तो बहुत सारी वनडे एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, तो ये देख लो आप, पर्यटन स्थल कौन से, कान्हा किसली नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, लांजी का किला, गोटमार का मेला, देवगढ़ का किला, जो है कौन सा, पर्यटकों का स्वर्ग किसको कहा जाता है, पंचमढ़ी को कहा जाता है। इसके उपविभाजन की अगर बात करेंगे तो उपविभाजन बेसिकली क्या क्या देखने को मिलेंगे, एक देखने को मिलेगा आपको रायगढ़ का पठार, जो बालाघाट और डिंडोरी वाला रीजन है उनके मध्य देखने को मिलेगा, एक जो है सिवनी का जो है कुकरी खालमा जो क्षेत्र है वो देखने को मिलेगा, इसी कुकरी खालमा में जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र क्षेत्र है कुकरी खालमा वगैरह ये रीजन, है ना, तो यहाँ पे जो है आपको कॉफी की कृषि देखने को मिलती है। आगे अपन जब कृषि पढ़ेंगे ना तब और अच्छे से डिस्कस करेंगे उसको। छिंदवाड़ा का पठार हो जाएगा और बैतूल का पठार हो जाएगा, तो कौन कौन से उपविभाजन हो जाएंगे, चार उपविभाजन इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, कौन कौन से, एक हो जाएगा अपना बैतूल का पठार, ठीक है, एक हो जाएगा कौन सा, छिंदवाड़ा का पठार, एक हो जाएगा सिवनी का कुकरई का पठार, और एक कौन सा हो जाएगा, रायगढ़ का पठार, जो बेसिकली इधर छत्तीसगढ़ टाइप पे देखने को मिलेगा। तो ये अपनों ने जो एक एक करके इसके सारे उपविभाजनों के ऊपर डिस्कस कर लिया, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर, आपको कुछ डाउट है क्या, हाँ, तो पठार चार है ना, ठीक है। अब इसके बाद अपना एकमात्र भौतिक विभाजन बचा है, कौन सा बचा है, पूर्वी पठारिया बघेलखंड का पठार जो अपना बचा है, अब इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि पूर्वी पठार, अगर पूर्वी पठार की लोकेशन की अगर बात करेंगे तो लोकेशन मध्य प्रदेश की कहाँ है, पूर्व में स्थित है, ठीक है। अगर अब जैसे आप लोगों ने सारे पठार पढ़ लिया, अब आप माइंड में इसे फ्रेम करना कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, है ना, तो इसके पूर्व में क्या होगा, रीवा पन्ना का पठार होगा, हाँ बघेलखंड के, अरे पूर्व में सॉरी उत्तर में है ना, इसके उत्तर में क्या होगा, अब इससे आप पूरा आइडिया लगाना, ठीक है, इसके जो उत्तर में क्या होगा, रीवा का पन्ना का पठार होगा, दक्षिण में क्या होगा, सतपुड़ा मैकलसेना, इसके पूर्व में क्या होगा, छत्तीसगढ़ वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है, इसके पश्चिम में क्या होगा, नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र हो जाएगा अपना, ठीक है, और जो है कुछ मालवा वाला का पठार वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन देख चुके हैं, ठीक है। अगर बात करें तो ये हाँ बोल सकते हो दक्षिण पश्चिम,
ये वाला रीजन है ना पूरा, ये यहाँ ऐसे फैली हुई है वो, तो इस साइड पे ये पश्चिम में ही हो जाएगा ना। कौन सा? ये सतपुड़ा रीजन है ये तो। कौन सा? ये बालाघाट तो इसमें आएगा ना, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। हाँ बघेलखंड, ठीक है। अगर इसके निर्माण की अगर बात करें अपना, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसमें भी वही सारे डायमेंशन रहने वाले अपने, कि इसका निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पे कौन सी नदियां पाई जाती है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है, ठीक है, यहाँ कौन से खनिज वगैरह देखने को मिलते हैं, किसकी कृषि होती है, वर्षा कितनी होती है, इन सभी के ऊपर अपन इसमें भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण हुआ गोंडवाना शेल समूह से। कौन से? आपको पता होगा सीधी सिंगरौली वाला रीजन है, शहडोल वाला रीजन है, उमरिया वाला रीजन है, यहाँ पे कोयला देखने को मिलता है। कोयला किसमें मिलता है? गोंडवाना शेल क्रम की चट्टानों में। देख तो यहाँ पे उसका निर्माण होगा गोंडवाना शेल समूह की चट्टानों से, इसका जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्षेत्र जो इसका किसका विंध्य शेल समूह के अंतर्गत भी शामिल होता है, तो कौन सी? गोंडवाना क्रम की चट्टान और विंध्य ग्रेनाइट शेल समूह से भी इसका क्या होगा? फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। स्थिति की अगर बात करें तो कितना? 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री, नहीं, ये तो पूर्वी देशांतर देखने को मिलता, ठीक है। कितना देखने को मिलेगा? 24 डिग्री जो है 35 मिनट से लेके, इसका और मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है, लगभग ये 25 या 26 के आसपास जाएगा आपका, है ना। इसके बाद इसके देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 80 डिग्री 5 मिनट से लेकर, 80 डिग्री 5 मिनट से लेकर कितना? 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर तक देखने को मिलता है। अब इसके जो ये देखो, ये अपन इसके ऊपर डिस्कस कर ही चुका है कि उसके उत्तर, और उत्तर में क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश वाला रीजन, रीवा पन्ना का पठार वाला रीजन, इस साइड पे जो क्या उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है, उत्तर पूर्व में झारखंड। दक्षिण में क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। पश्चिम में क्या हो जाएगा? मंडवा जबलपुर कटनी जिलों के बारे में दे दिया अपनों ने, जो है पूरा उसके जो भौतिक विभाजन के ऊपर डिस्कस करा था, ठीक है। इसके बाद ये जो सोन नदी के पूर्व में और सोन घाटी क्षेत्र की कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रखी इन्होंने, इसको सही करवा देंगे। प्रमुख जिलों की अगर बात करें, यहाँ पे कौन कौन से जिले देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? सीधी हो जाएगा, सिंगरौली हो जाएगा, उमरिया वाला रीजन, शहडोल वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है, डिंडोरी वाला कुछ रीजन के अंदर शामिल हो जाएगा। तो ये सभी जिले इसके अंदर शामिल होते हैं। कौन से? सिंगरौली, सीधी, इसका क्या आता है? इनका निचली क्षेत्र अपन देख चुके हैं। इसका जो सीधी सिंगरौली का कुछ ऊपरी वाला क्षेत्र जो किसके अंतर्गत? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, कुछ जो अपनों ने रीवा पन्ना के अंतर्गत भी देखा था तो शामिल होता है। सीधी सिंगरौली का जो निचला क्षेत्र होता है वो किसके अंतर्गत शामिल होता है? बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल होता है। शहडोल हो जाएगा अपना, उमरिया हो जाएगा, अनूपपुर हो जाएगा, डिंडोरी हो जाएगा, और कुछ भाग किसका हो जाएगा? कटनी का इसके अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। अपनों ने देख ही चुके हैं मध्य प्रदेश का जो है सबसे छोटा भौगोलिक विभाजन देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7% एरिया पर फैला हुआ है। कितना? 7% एरिया पर यह फैला हुआ है, ठीक है, ये इतना क्लियर है। अगर एरिया की बात करोगे तो कितना? 21,527 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर यहाँ की जलवायु की अगर बात करें तो कौन सी जलवायु पाई जाती? मानसूनी प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। कौन सी? मानसूनी प्रकार की जलवायु। मानसूनी प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या होती है? इससे पहले डिस्कस करा था ना अपना, साधारण ठंड होती है, बिल्कुल सही बात। तो ये मानसूनी प्रकार की जलवायु की विशेषता होती। अगर यहाँ की वर्षा की अगर बात करें तो कितने? 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। 125 सेंटीमीटर या 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी? लाल पीली मिट्टी पाई जाती। कौन सी? लाल पीली मिट्टी पाई जाती, जो जो है मूलतः जो है कम उपजाऊ प्रवृत्ति की मिट्टी पाई जाती। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। इस बार प्रश्न आया था क्या, कूट में प्रश्न दिया था, इसमें दिया था जैसे कि अपन सारे देखो निम्नलिखित में से जो है गलत कथन को या गलत कथन को छाटिए ना, ऐसा प्रश्न था। तो उसमें क्या दिया था कि मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिम में कौन सी पाई जाती? जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती, ये था एक ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था कि जो है मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी पाई जाती, ठीक है। तीसरा ऑप्शन था कि जो है कौन सा,
जो लाल पीली मिट्टी उपजाऊ प्रवृत्ति की होती है, सब सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सब ऑप्शन था आपका सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और चौथा क्या दिया था कि लाल पीली मिट्टी जो है बघेलखंड में पाई जाती है। इसमें से गलत क्या होगा? ये प्रश्न काफी अच्छा पूछा था, ये 2000 इसी ये जो भी प्रीलिम्स हुआ ना 22 वाला उसी में प्रश्न था। पहला गलत है, आपको क्या लगता है कौन सा गलत होगा? अभी अपनों ने जस्ट इससे पहले ही मैंने बताया, मतलब एक पॉइंट तो बताओ, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न आने, अनएक्सपेक्टेड प्रश्न देखने को मिलेंगे आप। लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है ये वाला पक्का? ये गलत था, सही बात। अभी तो बताया मैंने कि लाल पीली मिट्टी की विशेषता होती है ये सबसे कम उपजाऊ होती है, अब अधिकतर लोग इसके ऊपर चले गए, तो अपन कल देख चुके है ना, तो इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए हैं। काफी अच्छा प्रश्न था वैसे कंपैरिजन में, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? गलत आंसर, लाल पीली मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती, पर इसमें क्या लिखा हुआ है? सर्वाधिक उपजाऊ होती, और सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती, ठीक है। उसके बाद कौन सी? काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी आ जाएगा वो उपजाऊ होती। लाल पीली मिट्टी जो उपजाऊता के क्रम में काफी नीचे आती है इसलिए, और स्पेशली क्या लिखा हुआ है? सर्वाधिक उपजाऊ होती। तो क्या गलत हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें देखो ना सारे तो सही है, बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी अपन देख ही चुके हैं, ठीक है, उत्तर पश्चिम में कौन सी? जलोढ़ मिट्टी देख चुके हैं। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं, मतलब तो क्या थोड़ा दिमाग विमाग खोल के रखो, पढ़ते डाई अभी जस्ट तो मैंने दिया था, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ? गोंडवान और विंध्य शैल क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? 125 सेंटीमीटर। कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 7% पर। कौन सी जलवायु पाई जाती है यहाँ पर? मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। नदियां कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और क्यों नर्मदा है? जोहिला आएगी ना, अमरकंटक के आसपास से नदी निकल रही है, पूर्वी की ओर प्रवाहित हो रही है, तो ऐसे जाएगी तो सोन नदी, इसकी नदी सहायक नदी कौन सी? जोहिला, ये नदी है, इसके अंदर शामिल होगी, ठीक है। कुछ जो है इधर से नदी की कटने वाला कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। तो ये कौन सी? नर्मदा नदी भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी, और भी जो है सोन नदी की जो सहायक नदियां है इसके अंदर शामिल हो जाएगी। तो कौन सी? जोहिला नदी हो जाएगी, सोन नदी, सोन की सहायक नदी है जोहिला, ठीक है। फसल की अगर बात करें तो वर्षा कितनी हो रही है? 125 सेंटीमीटर हो रही है, तो चावल की कृषि होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे वर्षा अच्छी हो रही है तो चावल की कृषि होगी, तो मुख्य फसल क्या हो जाएगी? चावल हो जाएगी। अन्य फसलों में यहाँ पे अलसी, ज्वार और क्या देखने को मिलते हैं? तेल देखने को मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ के खनिजों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानों से इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो कौन सी जो है यहाँ पे खनिज पाया जाएगा बताओ आप? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कौन सा खनिज देखने को मिलता है? कोयला देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाया जाएगा अपना? कोयला पाया जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे खनिजों में सर्वाधिक मुख्य क्या देखने को मिलता है? कोयला देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो कोयला देखने को मिलता है, कोयला बेसिकली क्या करता है? यहाँ पे जो जहां जहां कोयला होगा वहां पे जो ताप विद्युत संयंत्र जो है लगाए जाते हैं ना, तो इस वाले क्षेत्र में तो आपको पता होगा जो अपना कौन सा बेडन सिंगरौली वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र लगाया गया है। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की कुल उत्पादन क्षमता लगभग जो है 4750 मेगावाट देखने को मिलती है पर डे की, इतनी ज्यादा एनर्जी वो जो है, इतनी ज्यादा बिजली जो है पैदा करता है, इसलिए जो है बेडन सिंगरौली को क्या कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देना, ये जो यहाँ से जो बिजली उत्पन्न होती उसको जो गोवा तक ट्रांसफर करते हैं, फिर जो दिल्ली तक भेजा जाता है उसको, तो ऐसे भेजते हैं, यूज में आ जाती हूँ, ठीक है। तो ये देख लिया। इसके अलावा यहाँ पे वर्षा 125 सेंटीमीटर हुई, तो किस टाइप की? उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाएंगे। कौन से? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। वन संपदा की दृष्टि से क्या होगा? संपन्न क्षेत्र होगा, क्योंकि क्या है, पानी अच्छा गिर रहा है, तो ठीक है, वर्षा अच्छी हो रही है। तो कौन कौन से वृक्ष हो जाएंगे? साल, सागौन, बांस, हर्रा और
तेंदू पत्ता जैसे वृक्ष हो जाएंगे। बांस का वृक्ष तो क्या है, पेपर मिल भी होगा, तो ओरिएंटल पेपर मिल वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा अलीपुर वगैरह रीजन में। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, ठीक है, कोयला ज्यादा है तो विद्युत केंद्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, बेडन सिंगरौली में। संजय ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, बीरसिंहपुर उमरिया में। तेंदू पत्ता जैसे बीड़ी बनती है ना, वो पत्ते होते हैं, जैसे अपने जंगल में भी देखने को मिलते हैं, जो अपने कंजेड़ा के पठार वाला इलाका है ना, वहां भी इसका जो है तेंदू पत्ता होता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली तेंदू नाम का वृक्ष होता है, उसके जो पत्ते होते हैं ना उनको तेंदू पत्ता बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये देख लो कौन कौन से यहाँ पे जो है उद्योग देखने को मिलेंगे, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जो है कौन सा, संजय ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा। ठीक है, जो है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सर्वाधिक मात्रा में क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है, इसलिए जो बेडन सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ के पर्यटन स्थलों की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से नेशनल पार्क आ जाएंगे, जैसे अमरकंटक का जो कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल होता है तो अमरकंटक आ जाएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया वाला रीजन आ जाएगा, डिंडोरी इसके अंदर शामिल होता है तो डिंडोरी का जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा। देखो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी, फॉसिल मतलब जीवाश्म को इंग्लिश में फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, अमरकंटक जो है अनूपपुर वाला ये क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो है सर्वाधिक सघनता में शेर देखने को मिलते हैं, तो इसके अलावा पर्यटन में वो शामिल हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये जो है कर्क रेखा कैसे गुजरती, इस साइड से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये जो है दो, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से किन पठारों से वो निम्नलिखित में से किन पठारों के मध्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर आपसे ऑप्शन दे दिया कि मालवा का पठार जो है और दे दिया बघेलखंड का पठार, उपरोक्त तो दोनों और उपरोक्त तो में से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, उपरोक्त तो दोनों। ठीक है, दोनों के मध्य से होकर क्या गुजरती, कर्क रेखा गुजरती, नहीं नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र यहाँ आ जाएगा ना, बेसिकली यहाँ पे इस साइड पे पूरा बघेलखंड आ जाएगा, इस साइड पे रीवा पन्ना का पठार, तो ये इसके क्या दक्षिण में रह जाता है थोड़ा। ठीक है, क्लियर है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम पता है क्या क्या है, बताऊं, देख लो वो भी। ठीक है, तो जो ये अपना भारत का मैप हो जाएगा, ठीक है, ये इंडिया हो गया अपना। ठीक है, तो यहां से होकर गुजरती है कर्क रेखा, बीचों बीच से होकर। ठीक है, ये जो है कुछ इस साइड पर, ठीक है, यहां से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ये कौन सा स्टेट है अपना, गुजरात, तो गुजरात से होकर गुजरेगी। ये अपना कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, मतलब सारे राज्य मध्य प्रदेश के सारे जिले, ये तो आपको मैप में कम से कम याद होना ही चाहिए, सबसे पहले इन्हीं की प्रैक्टिस करना आप, क्योंकि क्या ये तो लगभग सारी चीजें अपने को तैयारी करने से पहले की चीजें हैं, कि मतलब मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, किस संभाग की लोकेशन क्या है, उस संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ये सभी चीजें तो आपको चीजें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। कोई भी पूछ ले आपसे कि जो है भोपाल कहाँ स्थित है, तो आपके मैप में डायरेक्ट चले जाना चाहिए दिमाग की वहां है, इसके आसपास कौन कौन से जिले, आपसे पूछ ले कि इंदौर कहाँ है तो आपके माइंड में चले जाना चाहिए, आपसे पूछ ले कि क्या उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो आपको दिमाग में चले जाना चाहिए मैप में कि उत्तर प्रदेश कहाँ है। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे राज्य, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश वाला रीजन अपन देख ही चुके हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3, ये 4 5 6, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जो है गुजरती, तो कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। ठीक है, तो अपन क्या देख चुके थे, बांधवगढ़ में जो है सफेद शेरों के लिए फेमस है, रीवा वाला क्षेत्र भी फेमस है। ठीक है, उसके अलावा जो कर्क रेखा इस पठार की कहाँ से होकर गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है, और मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, बेडन सिंगरौली को कहा जाता है। अब जो है ये इस टाइप के प्रश्न भी पीएससी का ट्रेंड हो गया पूछना, कि इसमें ऐसे कूट टाइप प्रश्न में, कि जो है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जो है, प्रश्न आ जाएगा आपसे किसे,
निम्नलिखित में से जो किस व्यक्ति ने जो सिंगरौली को, किसको सिंगरौली को भारत की उपकरण परंपराओं, कौन सी सुगम परंपराओं जो है चेन्नई परंपरा का जो है मिलन बिंदु कहा है। ये चीजें तो याद करने की होती है, इनमें को समझने जैसा होता नहीं। तो क्या लिखा हुआ है कि जो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जो है भारत में जो है सिंगरौली को भारत की उपकरण परंपरा सोहन परंपरा और जो है चेन्नई परंपरा का जो है मिलन स्थल कहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने कहा है। किसने कहा है? प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने कहा है। तो इस टाइप की ये जो है आ सकते हैं इस टाइप के प्रश्न। अब इनका क्या फिक्स नहीं कि पूछे तो पूछे, पूछ भी नहीं सकता है, और जिस टाइम पूछा और अगर आपको ये याद है तो आप जो है अन्य छात्रों की अपेक्षा आप उसमें लीड ले लोगे। तो ऐसे कोटेशन टाइप प्रश्न जो है लगभग लगभग हर प्रीलिम्स में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, और इनका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि ये जो कोटेशन टाइप प्रश्न है किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं। जैसे कुछ एक दो बार तो जैसे 2020 में तो दोनों प्रश्न कहीं से पूछ लिए इन्होंने, हिस्ट्री से पूछ लिए, ठीक है। एक प्रश्न पूछा किससे? अपने मध्य प्रदेश से पूछा। इसी टाइप से जैसे अभी वाली जो प्रीलिम्स हुई है 2022 वाली, तो उसमें इन्होंने दोनों जो कोटेशन वाले प्रश्न है ये किससे पूछ लिए? एक मध्य प्रदेश से पूछा, मध्य प्रदेश में हिस्ट्री वाले रीजन से पूछा, क्षेत्र से पूछा, और जो है दो पूछ लिए अपनों ने इन्होंने पॉलिटी से। तो इस टाइप से इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं कहाँ से आते, फिर भी जो है मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, वहां से जब भी टाइम मिले तब इनको पढ़ते रहना, हो सकता है कि वहां से मतलब प्रश्न आ जाए आपके। तो ये आपने देख लिया किसने, प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने क्या कहा, सिंगरौली को किसको भारत की उपकरण परंपरा और सुवन परंपरा का क्या कहा है, मिलन स्थल कहा है। तो इस टाइप से जो अपना लगभग लगभग सारा कवर हो चुका है। ठीक है, पूरा अपनों ने जो है लगभग मध्य प्रदेश के सारे भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ लिया, सातों के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन से पढ़ लिए अपनों ने, बता सकता है कोई सातों के नाम बताओ? ठीक है, बघेलखंड का पठार सारे हो गए। सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन कौन सा है? मालवा का पठार। सबसे छोटा? 7% एरिया पे फैला हुआ है बघेलखंड का पठार। अगर मालवा का पठार ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या होगा? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र 27%, 27.68% अपनों ने इसके बारे में भी देखा था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि रीवा रीवा पन्ना के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रीवा पन्ना के पठार में महाद्वीपीय प्रकार। अगर आपसे पूछ ले कि बघेलखंड के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती। निम्नलिखित में से जो है किस पठार की जलवायु को चीनी यात्री फाइयान ने विश्व की जो है सबसे सर्वाधिक, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है? और प्रश्न आ जाए आपसे कि ठीक है मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है? नहीं, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र अपन देख चुके हैं ना, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र हुआ, जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो अब एक एक नजर में जो है इनको पूरा डिस्कस कर लेते कि जो है फिर इसके बाद अपन पर्वत श्रेणियों के ऊपर देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोगों ने देखा कौन सा, मालवा का पठार के ऊपर देख लेते हैं। मालवा का पठार, ठीक है, कितने एरिया पर फैला हुआ है? 28.62% एरिया पर फैला हुआ है। कौन सी जलवायु पाई जाती है यहाँ पर? सब जलवायु देखने को मिलती है। कौन कौन सी नदियां हो जाएगी? चंबल हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी, काली सिंध नदी हो जाएगी, ठीक है, छिपरा हो जाएगी, शिवना हो जाएगी, ये सभी नदियां इसके अंतर्गत शामिल होती, पार्वती नदी हो जाएगी। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो साधारण काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी, दोनों मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ की अगर वर्षा की बात करोगे तो कितनी होती है? 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जिलों की अगर बात करें तो कौन से, भोपाल संभाग के सारे जिले इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, उज्जैन संभाग के लगभग सारे जिले इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, इंदौर के शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी इसके अंदर शामिल होंगे। देखो कौन कौन से, भोपाल, धार, गुना, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, शाजापुर, विदिशा, रायसेन और सागर इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, लगभग आप लोगों ने ओवरऑल देख लिया इसको। इसी टाइप से जो है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक विभाजन के कितने, 27.89% एरिया पर फैला हुआ है। कितना? 27.89%
एरिया पर फैला हुआ है। अगर यहाँ की जलवायु की अगर बात करें तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ देखने को मिलती है। अगर यहाँ की नदियों की अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा, सोन, तवा और दूधी नदी हो जाएगी। यहाँ की अगर मिट्टी की अगर बात करें तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर गहरी काली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, वर्षा यहाँ पर 125 सेंटीमीटर होती है। जिले देख लेंगे तो कौन से? शहडोल, बड़वानी, डिंडोरी वगैरह सारे जिले इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। अगर बात करें अपन किसकी? बघेलखंड के पठार की, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की कितने? 7% एरिया पर फैला हुआ है। यहाँ की जलवायु की अगर बात करें तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। यहाँ की नदियों की अगर बात करें तो कौन सी? नर्मदा, सोन, जोहिला, गोपद और बनास देखने को मिलेगी। यहाँ की अगर अपनों ने मिट्टी देखी थी तो कौन सी मिट्टी देखी थी? लाल पीली मिट्टी देखी थी। अगर यहाँ वर्षा की अगर बात करें तो कितने? 125 से 150 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। अगर बात करें मध्य भारत के पठार की, तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.68% एरिया पर फैला हुआ है। कितने? 10.68% एरिया पर फैला हुआ है। यहाँ की जलवायु देखी थी तो कौन सी प्रकार की देखी थी? महाद्वीपी प्रकार की जलवायु पाई जाती। कौन सी? महाद्वीपी प्रकार की जलवायु देखने को मिलती। मिट्टी देखी थी तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी देखी थी अपनों ने, कि यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वर्षा की अगर बात करें तो क्या देखा था? यहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भिंड में होती है। भिंड के जो गोहद है उसमें होती है। कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर होती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? भिंड में होती है। अगर जो भौगोलिक विभाजन का पूछ ले तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मध्य भारत का पठार होना चाहिए। ठीक है, ये सब जिले हो जाएंगे। सतपुड़ा बेकल श्रेणी मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने? 11% भाग पर फैली हुई। कौन सी जलवायु पाई जाती है यहाँ पर? मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे जो है कौन कौन सी सहायक नदियां हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगी कौन सी? तवा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, शक्कर, हिरण, दूधी वगैरह, ये सब इसकी सहायक नदियां हो जाएगी। यहाँ पे दो प्रकार की मिट्टी देखी थी अपनों ने, कौन सी? गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, और कौन सी? बलुई या दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ की वर्षा की अगर बात करें तो किस 125 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा देखी थी अपनों ने। इसके बाद देखा अपनों ने बुंदेलखंड का पठार, जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक विभाजन की कितने? 7.7% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न आ गया, ठीक है, कि निम्नलिखित में से, ऑप्शन ध्यान से सुनना है ना, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक विभाजन कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन सुनना। ऑप्शन है पहला मालवा का पठार, ठीक है, ऑप्शन दूसरा है आपका रीवा पन्ना का पठार, ऑप्शन तीसरा है सतपुड़ा मेकन श्रेणी, और ऑप्शन चौथा है आपका कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि कितने एरिया पर फैला हुआ है? 7.7 एरिया पर फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कौन सी बेतवा, दसान, केन वगैरह सहायक नदी यहाँ पर देखने को मिलती है। दसान किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी है। बेतवा की एक और सहायक नदी है बीना नदी। 2022 के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था कि जो है जो कौन सी बीना नदी किसकी सहायक नदी, क्या बीना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन दिया था कौन सा, जो उसमें दिया था बेतवा, दसान और दो और नदियां दे रखी थी, केन दे रखा था। ठीक है, तो कौन सा आपका आंसर सही हो जाता है उसमें? बेतवा सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ की अगर मिट्टी की अगर बात करें तो अपनों ने देखा था यहाँ पे किस टाइप की मिश्रित प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण देखने को मिलता है। वर्षा यहाँ पे क्रमशः कम होती, 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा होती। अगर बात करें रीवा पन्ना के पठार मध्य प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने? 10.37% एरिया पर फैला हुआ है। कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है रीवा पन्ना के पठार में? कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी नदी आ जाएगी? सोन के टोन्स, केन वगैरह ये नदी आ जाएगी। यहाँ की वर्षा की अगर बात करें तो 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा आ जाएगी। तो अपनों ने ओवरऑल इसको पढ़ भी लिया, इसका रिविजन भी कर लिया। अगर अब भी इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ लो। आज अपना एक और टॉपिक देख लेते हैं, आज छोटा सा टॉपिक है अपना लगभग, तो क्योंकि समय कम बचा है अपने पास प्रीलिम्स का। ठीक है, क्योंकि कब है आपकी प्रीलिम्स? 17 दिसंबर को है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों की, तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः जो है आपको दो पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेगी। कितनी? दो पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेगी। एक हो जाएगी अपने कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और एक हो जाएगी कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो जाएगी। अगर बात करोगे आप मैप में, तो मैप में बेसिकली आप देख लो तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी अपने को, तो ये वाली जो पूरी श्रेणी है, कौन सी? ये वाली, ये, ठीक है,
ये कुछ फिर इधर इसका कुछ भाग आ जाता, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, विंध्यांचल। कौन सी आ जाएगी, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी आ जाएगी। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, और ये वाली जो श्रेणी आपकी कौन सी आ जाएगी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी आ जाएगी। ठीक है, ये अपन देख ही चुके हैं, इसके तीन भाग होते हैं, कौन सा, राजपिपला, महादेव और मेकल। ठीक है, तो बेसिकली कितनी पाई जाती है, दो मुख्य पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती, कौन सी, विंध्याचल और सतपुड़ा देखने को मिलती है। अगर बात करें विंध्याचल और सतपुड़ा की, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो है विंध्याचल श्रेणी है, इसके दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, जो है नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। और जो सतपुड़ा जो है पर्वत श्रेणी देखी थी, इसके उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, तो नर्मदा हो जाएगी। देखो ये विंध्याचल है, इसके दक्षिण में कौन सी नदी हो जाएगी, नर्मदा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की उत्तर में कौन सी नदी हो जाएगी, नर्मदा नदी। तो पूछ लिया जाएगा कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नर्मदा होना चाहिए। नर्मदा नदी प्रवाहित होती है किसमें, रिफ्ट वैली में। अभी कॉन्सेप्ट समझ लो आप, ठीक है। और जो अपना विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्या है, ये अपनी आपको देखने को मिलेगी, कौन से, ब्लॉक पर्वत। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं और रिफ्ट वैली क्या होती है, ये आ रहा होगा बेसिकली कि इनका निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो बल समझने पड़ेंगे, कौन सा, एक आपको समझना पड़ेगा तनाव बल और एक देखना पड़ेगा संपीड़न बल। अब ये क्या होते हैं उनके ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये कोई चट्टान है, ये ठीक है, इसके दो भाग, एक अगर ये चट्टान जो है ये वाला हिस्सा इस साइड पे फोर्स लगा रहा है, ये साइड वाला इस साइड पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या बीच में तनाव या टेंशन उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही। ये वाला इधर, ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है, ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है, तो बीच में जो है तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो इस टाइप के बल को किस नाम से जाना जाएगा, इस टाइप के बल को तनाव बल के नाम से जाना जाएगा। जब अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तब और इसको अंदर घुस के पड़ेंगे, ठीक है। और एक बल होता है कौन सा, संपीड़न बल। ये चट्टान इधर फोर्स लगा रही, ये चट्टान इधर फोर्स लगा रही, तो किस टाइप का जो है दोनों के मध्य क्या होगा, संपीड़न होगा। तो इस टाइप के बल को किस नाम से जाना जाता है, संपीड़न बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये अपनों ने देख लिया, दो बल होते हैं, कौन कौन से, तनाव बल और संपीड़न बल होते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई चट्टान है, ठीक है, ठीक है, ये अपनी कोई चट्टान हो गई। अब ये चट्टान का ये वाला हिस्सा जो है ऊपर उठ जाए, ये वाला हिस्सा भी क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए, किसके कारण, तनाव बल के कारण, जो ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए, और जो बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या रहे, अपनी यथावत स्थिति में रहे। ठीक है, क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ऊपर उठ गया, ये वाला हिस्सा भी क्या हो गया, ऊपर उठ गया, और बीच वाला क्या हो गया, अपनी यथावत स्थिति में रहे। तो जो ये ऊपर उठे वाले भाग है, ये क्या कहलाएंगे, आपके ब्लॉक पर्वत कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ब्लॉक पर्वत कहलाएंगे। और जो है बीच में धंसा हुआ भाग क्या कहलाएगा, आपका रिफ्ट वैली कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अगर भारत के अगर मैप को देखोगे आप, किसको, भारत के अगर मैप को देखोगे आप, तो आपको जो है, ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में अजंता, अजंता पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगी आपको कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और यहाँ पे देखने को मिलेगी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि सबसे पहले जो है ब्लॉक पर्वत का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कि जो है किसी चट्टान के आसपास का भाग ऊपर उठ जाए और बीच का भाग यथावत स्थिति में रहे, तो जो आसपास का उठा हुआ भाग है वो किस नाम से जाना जाएगा, ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाएगा, और जो बीच में धंसा हुआ भाग है उसको किस नाम से जाना जाएगा, रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली कितने भारत में जो है तीन लगातार जो है ब्लॉक पर्वत देखने को मिलेंगे, ये वाला कौन सा हो जाएगा अपना विंध्याचल, ठीक है, ये वाला कौन सा हो जाएगा सतपुड़ा, और ये वाला हो जाएगा अजंता। ये वाला उठा, तो बीच में क्या बन गई, खाई बन गई, रिफ्ट वैली बन गई। इस रिफ्ट वैली में कौन सी नदी प्रवाहित होगी, इसमें प्रवाहित होगी अपनी नर्मदा नदी। कौन सी हो जाएगी,
नर्मदा नदी, ये सतपुड़ा वाला पठार उठा और अजंता वाला भी उठ गया, तो बीच में फिर एक खाई बन गई रिफ्ट वैली, तो इसके मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होगी? ताप्ती नदी प्रवाहित होगी। ठीक है, इस वाले डायग्राम में यही लिखा हुआ है, ये अपना कौन सा हो जाएगा? विंध्याचल। इसके मध्य कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी? इसके मध्य कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? ताप्ती नदी प्रवाहित हो रही है। ये कौन सी श्रेणी हो गई? अजंता। क्लियर ये डायग्राम? महाराष्ट्र में ये अपनों ने बेसिकली ताप्ती नदी को समझने के लिए उसका भी एग्जांपल लिया अपनों ने। ठीक है, अब जो है इसके बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। 2020 के मेंस में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में सबसे कम चौड़ाई कहाँ होती है, या सबसे कम जो दूरी कहाँ होती है, ये प्रश्न पूछा गया था। अब क्या आंसर होगा इसका? एक मतलब एप्रोक्स आंसर क्या होगा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो कुछ इस साइड वाले रीजन में जो है ये लगभग पास पास होती है, उसके बाद ये इधर बह जाती है इधर, तो उसके बाद जो है दूरियां बढ़ जाती है, फिर दोनों जाके कहाँ गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो जो अगर ये प्रश्न आए तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा? सतपुड़ा श्रेणी के आसपास जो है दोनों नदियां आपस में लगभग जो दोनों नदियों के मध्य क्या होती है? सबसे कम दूरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये अपना ये डायग्राम समझ में आ गया आपको प्रॉपर कि जो है विंध्याचल क्या है, नर्मदा क्या है, सतपुड़ा। ठीक है, मध्य प्रदेश में मुख्यतः कितनी दो पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, सतपुड़ा विंध्याचल, दोनों के मध्य कौन सी? नर्मदा की प्रसिद्ध ब्रंश घाटी देखने को मिलेगी। अब एक एक करके अपन विंध्याचल और सतपुड़ा के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, ये मध्य प्रदेश के मैप में भी अपनों ने देख लिया कहाँ क्या क्या स्थित है। अब बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। ठीक है, अब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः किसे? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। बेसाल्ट चट्टाने क्यों? क्योंकि इसका अधिकांश क्षेत्र किसे? दक्कन ट्रेप के अंतर्गत भी आता है, तो हो जाएगा अपना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस पर्वत का जो है निर्माण कैसे हुआ? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से क्या है निर्मित देखने को मिलती है। अगर इसकी लोकेशन भी अपनों ने देख ली थी तो कहाँ कहाँ है इसकी लोकेशन आप खुद ही, ये क्या है? ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है अपन समझ चुके हैं। इसके उत्तर में क्या है? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है। ठीक है, इसके दक्षिण में क्या है? ताप्ती दरार घाटी, अपन देखा ना अजंता की और इसके बीच में, तो ये स्थित है। इसकी स्थिति देख ली अपनों ने, इसका निर्माण कैसे हुआ ये देख लिया कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। अब क्या होता है, जैसे कि जो दरार घाटी क्षेत्र है ना, तो वहां कोई नदी बह रही है, तो हम नदी बहेगी तो अपने साथ कुछ जो है वहां कटाव भी करेगी, तो कटाव के कारण क्या होती है, वो जो जैसे कोई भी जो चट्टान होती है ना, उसके दो भाग होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाला भाग और एक होता है जो कठोर भाग होता है। अब कोई भी नदी प्रवाहित हो रही तो वो क्या करेगी, जो चट्टान का सॉफ्ट वाला भाग है उसको क्या करेगी, तोड़ दी जाएगी, उसका अपरदन कर दी जाएगी। अपरदन क्या होता है पता है आपको? अपरदन मतलब कोई नदी जा रही है तो अपने साथ जो भी मिट्टी मिट्टी जो है चट्टान को तोड़कर जा रही है, बहा कर ले जा रही है, तो उसको जो अपरदन कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या उल्लेखनीय क्या होती है, जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक रूप में अवस्थित होती है, ठीक है, तो क्या करेगी, नर्मदा और ताप्ती नदी क्या करेगी, इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होगी और सॉफ्ट चट्टानों को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, या नष्ट करने से तात्पर्य क्या कर देगी, उनका अपरदन कर देगी, और उन्हीं अपरदन के कारण क्या होगी, वो दरार घटिया और गहरी होती जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है दो नदियां जो है मुख्यतः अपरदन करती है। ठीक है, एक तो आपको देखने को मिलेगा चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी जो है अपरदन करती है और जो है भिंड मुरैना श्योपुर वाले इलाके में जो बड़े बड़े बिहेड़ों का निर्माण करती है। इसी टाइप से आप देखो कि जो ताप्ती नदी जो देखने को मिलेगी, ताप्ती नदी भी जो है कुछ क्षेत्र में अपरदन का जो है कार्य करती है। तो दो नदियां मुख्यतः मध्य प्रदेश में अपरदन करती है, कौन कौन सी, चंबल नदी और ताप्ती नदी आपको देखने। ठीक है, अगर अगर इस जो है पर्वत की कुल लंबाई की अगर बात करें अपन, तो इस पर्वत की कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगी 1120 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। कितनी? 1120 किलोमीटर। और अगर इसकी औसत ऊंचाई अपन निकालेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी आएगी, लगभग 900 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई आएगी। औसत ऊंचाई कैसे निकाली जाती है, जैसे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी और सबसे निचली चोटी के मध्य का जो है एक रेशियो निकाल लेंगे, उसको इसकी औसत ऊंचाई मान लेंगे। ठीक है, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी, 900 मीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी, कितनी, 1120 मीटर। इसका फॉर्मेशन केस हुआ ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये अपनों ने देखा था उसमें किसमें, सतपुड़ा जब पर्वत श्रेणी पढ़ रहे थे तब, क्या कि जो है ये पर्वत श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती, गुजरात में, गुजरात से स्टार्ट होती कहाँ पर, बुरहानपुर दर्रे तक फैली हुई,
उसको उस श्रेणी को अपनों ने राज पीपला श्रेणी नाम दिया था। फिर उसके बाद वाली श्रेणी को अपनों ने क्या नाम दिया था? उसके बाद वाली को नाम दिया था महादेव पर्वत श्रेणी नाम दिया था, ठीक है, ये देखा था। उसके बाद क्या देखा था अपनों ने? मेकल श्रेणी देखा था। और मेकल श्रेणी के बाद भी ये समानांतर रूप में फैली हुई झारखंड के पास छोटा नागपुर के पठार तक ये जो है पर्वत श्रेणी फैली हुई है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात से स्टार्ट हुई, फैलते हुए कहाँ तक जाती? झारखंड तक जाती है। और झारखंड में कहाँ तक? छोटा नागपुर के पठार तक जो है ये आपको देखने को मिलेगी। देखो ये लिखा है, इस पर्वत श्रेणी के पश्चिम में क्या देखने को मिलेगा? राजपिपला, ठीक है। फिर मध्य में क्या देखने को मिलेगा? महादेव, फिर मेकल, और फिर क्या है? छोटा नागपुर के पठार तक क्या क्या देखने को मिलेगी? विस्तृत देखने को मिलती है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी पाई जाती है? नर्मदा नदी पाई जाती है। तो नर्मदा अपवाह तंत्र अपने आप में क्या है? एक अलग अपवाह तंत्र है, बिल्कुल, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। तो जो है अपने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये क्या करेगी? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को क्या करेगी? अलग अलग करेगी। अपवाह तंत्र क्या होता है ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो यही पॉइंट लिखा होगा कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में ये लिखा हुआ, देखो, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी और गोदावरी के बीच में क्या करेगी? जल विभाजक का कार्य करेगी। जल विभाजक क्या होता है ये अपन देख चुके हैं, ठीक है, थीके? तो ये देख लिया, ठीक है। इसके विस्तार की अगर बात करेगी कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, तो इसके जिलों की अगर बात करें तो इसमें अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पंचमढ़ी, शिवनी, बालाघाट, डिंडोरी और अनूपपुर जैसे जिले इसके अंदर शामिल होते हैं, सारे दक्षिण वाले। ये भी अपन मैप में ड्रॉ करके जैसे पहले जस्ट वाले लेक्चर में अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो ये देख लिया, इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी तो कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ हो जाएगी। धूपगढ़ की अगर आपसे पूछ ली कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आपका आंसर क्या होगा? धूपगढ़ होगा। अगर आपसे पूछ ली कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर क्या होगा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। धूपगढ़ होगा, ठीक है। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की कौन सी जो है सतपुड़ा पर्वत में कौन सी श्रेणी में स्थित है? महादेव में स्थित। तो इस टाइप से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कितनी है इसकी ऊंचाई? कितनी है? 1375। कहाँ स्थित है और कौन सी श्रेणी में स्थित है? महादेव श्रेणी में ये जो है स्थित देखने को मिलेगी। इसके तीन उपविभाजन है, वो अपनों ने पहले डिस्कस कर लिए, कौन सा? राजपिपला, महादेव और मेकल। अब एक एक करके इनके ऊपर भी अपन डिस्कस कर लेते। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई राजपिपला पर्वत श्रेणी? गुजरात से लेके कहाँ तक फैली हुई है आपकी? गुजरात से लेकर जो है बुरहानपुर दर्रे तक फैली हुई है, अपन देख चुके हैं, ठीक है। इसमें जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ शामिल होती है? अगर इसके पहाड़ियों की अगर बात करें तो यहाँ पे शामिल होती है बड़वानी जो है कौन सी? अखरानी की पहाड़ियाँ हो जाएगी, बड़वानी की पहाड़ियाँ हो जाएगी, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ हो जाएगी। 2022 के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था कि अखरानी की पहाड़ी और बड़वानी की पहाड़ियों के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो कौन सी नदी होगी? ऑप्शन सुनो, क्या प्रश्न एक बार और बोलू? देखो प्रश्न है आपका अखरानी की पहाड़ियां और कौन सी? बड़वानी की पहाड़ियां, इनके मध्य कौन सी नदी जो है प्रवाहित होती है ना, नदी जो होती क्या होती? प्रवाहित होती। ऑप्शन है आपके नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, सोन। 2023 की प्रीलिम्स का प्रश्न है, 2022 की प्रीलिम्स का प्रश्न है, कौन सा हुआ? ताप्ती हुआ, कौन सा हुआ आप बताओ इन दोनों ऑप्शन में से, फिर मैं बताता हूँ आंसर इसका। अच्छा प्रश्न था वैसे, नर्मदा। बेतवा तो नहीं सोच रहा कोई, है ना? तो कौन सा होगा? नर्मदा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर शामिल कौन सी? अखरानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ी और बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, और कौन सी? बुरहानपुर के आसपास असीरगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। असीरगढ़ की पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? दक्कन का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब ये प्रश्न आ गया आपसे कि जो है निम्नलिखित में से जो है किस जो है पहाड़ी को जो है दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है?
दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ की पहाड़ियों को बोला जाता है। ऑप्शन में दे दिया आपसे बीजागढ़, बड़वानी, मथवार और असीरगढ़, तो आपका आंसर क्या होगा? असीरगढ़ होना चाहिए। काफी अगर ऐसे डेप्थ प्रश्न बने, जैसे ये पूछ लिए कि अखरानी और बड़वानी की पहाड़ी के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती, तो इस टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो ये देख लो, नहीं ताप्ती तो दक्षिण में जाएगी ना, क्या देखा आप लोगों ने, ये सतपुड़ा है, इधर से ये नर्मदा नदी, ठीक है, ये इधर जा रही और ये ताप्ती नदी इधर जा रही, तो ताप्ती नदी कुछ नीचे रह जाती बहुत ज्यादा, और ये तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा होगा। ठीक है, तो कौन सी असीरगढ़ की जो पहाड़ियां हैं और जो नर्मदा नदी, उनके बीच में किसका मैदान देखने को मिलता है? निमाड़ का मैदान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जब अपन मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे, क्या कृषि जलवायु प्रदेश, मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं, तो उसके अंतर्गत एक कृषि जलवायु क्या पढ़ेंगे अपन? निमाड़ का मैदान भी पढ़ेंगे। तो क्या असीरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा नदी के मध्य कौन सा ये देखने को मिलेगा आपको, जो है क्या? निमाड़ का मैदान देखने को मिलेगा। इसकी सबसे राजपिपला की सबसे ऊंची चोटी अपनों ने क्या डिस्कस करी थी? चूलगिरी। क्या ऊंचाई देखी थी उसकी? 1215 मीटर, 1215 देखी थी, 1215 मीटर होती है। ठीक है, असीरगढ़ की पहाड़ी को क्या बोला जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं असीरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा नदी के मध्य कौन सा पठार देखने को मिलता, मैदान देखने को मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? निमाड़ का मैदान देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद दूसरी श्रेणी कौन सी आती है अपनी, जो है मध्य सतपुड़ा श्रेणी या महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी, ठीक है, ये मध्य श्रेणी के नाम से जानी जाने वाली यह हिस्सा क्या राजपिपला के कहाँ स्थित है? पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे अपने? बैतूल आ जाएगा, छिंदवाड़ा का पठार आ जाएगा, ठीक है, महादेव श्रेणी आ जाएगी, ग्वालियर श्रेणी इसके अंतर्गत आ जाएगी, जैसे ये वाला रेज इसके ऊपर की ओर जो श्रेणी आएगी वो कौन सी? महादेव। महाराष्ट्र वाले रीजन के आसपास कौन सी? ग्वालगढ़ श्रेणी इसके अंतर्गत शामिल होगी। तो ये भी लिखा हुआ देख लेते हैं, इसकी मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी आ जाएगी? ठीक है, इसकी प्रमुख उपश्रेणियों की अगर बात करें तो कौन सी? ग्वालियर श्रेणी, महादेव श्रेणी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत जो है महादेव श्रेणी कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में ये फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी अपनी? कौन सी? धूपगढ़ आ जाएगी, जो कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, ताप्ती नदी के दक्षिण में कौन सी नदी आ जाएगी? ग्वालियर श्रेणी आ जाएगी, जो बेसिकली कहाँ पड़ती है अपनी? महाराष्ट्र के आसपास पड़ती है। ठीक है, अगर बात करें इसके अंतर्गत जो है धूपगढ़, पंचमढ़ी, चोरागढ़, नंदीगढ़, कालीबीज जैसी पर्वत श्रेणियां इसके अंदर शामिल होती है। जैसे उसमें देखा था ना अपने कि बड़वानी जो है असीरगढ़ की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, वैसे इसके अंदर शामिल होने वाले क्षेत्र कौन से आ जाएंगे? धूपगढ़ आ जाएगा अपना, पंचमढ़ी आ जाएगा, ठीक है, कालीबीज, बैतूल वाला, चोरागढ़, नंदीगढ़, ये सभी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, और जो है ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसी पर्वत श्रेणी से, जो आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? ताप्ती नदी का उद्गम देखने को मिलेगा महादेव पर्वत श्रेणी के आसपास से। ठीक है, अब इसका तीसरा भाग देखते हैं अपन, कौन सा? मेकल पर्वत श्रेणी देखने को मिलते हैं। मेकल पर्वत श्रेणी बेसिकली कहाँ है? सबसे पूर्व में स्थित है। महादेव पर्वत श्रेणी के कहाँ स्थित हो जाएगी? पूर्व में स्थित हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है? महादेव पर्वत श्रेणी जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है, और कैसा फैला हुआ है अपन देख चुके हैं, कैसा? आधे चंद्रमा जैसे अर्ध चंद्राकार रूप में फैला हुआ है। कौन कौन से जिले शामिल होंगे? बालाघाट, डिंडोरी और अनूपपुर जिले इसके अंदर शामिल होंगे, और बाकी जो हिस्सा कहाँ चले गया अपना? छत्तीसगढ़ में चले गया। इसी में अपनों ने किरार घाटी विवाद के बारे में भी डिस्कस करा था। ठीक है, ये देख लिया। अगर बात करें मेकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी अपने मध्य प्रदेश में, जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी? अमरकंटक आ जाएगी। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1036 मीटर आ जाएगी। इसी अमरकंटक से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? नर्मदा, सोन और जोहिला का जो है अपना उद्गम होता है। तो क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला का यहीं से क्या होता है? उद्गम होता है। इसका सर्वोच्च शिखर 1127 मीटर है, जो कहा? छत्तीसगढ़ वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। जो अपना ये, ठीक है, ये जो इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी? बदरगढ़ छत्तीसगढ़ में 1036 मीटर। ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया। ठीक है, अमरकंटक जो वाला रीजन है क्या है? मैंने आपको बताया था, जब मैप बताया था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे ये अपना एमपी है, ठीक है, तो यहाँ कौन से आ जाएगी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी।
यहाँ पे जो कौन से विंध्याचल, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है भांडेर और एक होता है कैमूर, ऐसे जाती है। इसका जो कुछ हिस्सा है ना इस साइड पे भी आता है थोड़ा बहुत, जो बांधवगढ़ की पहाड़ी वगैरह आप देखोगे ना इसी के अंतर्गत। और कुछ जो ये अमरकंटक के आसपास किससे मिल जाती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से मिल जाती है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा का मिलन स्थल क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अमरकंटक। क्या होना चाहिए आंसर, अमरकंटक आंसर होना चाहिए। तो क्या है अमरकंटक, क्या है विंध्याचल और सतपुड़ा का क्या देखने को मिलेगा, अपने को मिलन स्थल देखने को मिलेगा। यहां तक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में कोई जो डाउट हो तो पूछ लो आप, क्लियर है सारा। और एक दो बार आप क्या इस पीडीएफ को पढ़ोगे ना तो और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। मेन जो कॉन्सेप्चुअल चीजें तो मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से कौन कौन सी जो है, अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां उद्गमित होती है, तो नर्मदा जोहिला हो जाएगी, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी, और दक्षिण में ताप्ती नदी, ठीक है। इतना क्लियर है, अब इसकी बात करते हैं अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी क्या है, बेसिकली आपको एक ब्लॉक पर्वत देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ब्लॉक पर्वत देखने को मिलेगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, क्या देखने को मिलेगा, एक ब्लॉक पर्वत देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में कहा जाता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है भारत को, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को क्या करती है, पृथक करती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी जो है उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से पृथक करती है, तो आपका आंसर क्या होगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है, पृथक करती है। तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। विंध्य शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है ये सब पढ़ लेना, इतना कुछ खास है नहीं उसमें समझ लेना। अब बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है समानांतर रूप में फैली हुई चट्टान होकर कैसी टूटी फूटी श्रेणी में फैली हुई चट्टान देखने को मिलेगी, कैसे टूटी फूटी रूप में जो है चट्टान फैली हुई है। इसके अगर विस्तार की अगर बात करें तो ये भी विस्तारित कहाँ से देखने को मिलेगी, गुजरात से आपको जो है विस्तारित देखने को मिलेगी। तो कहाँ से, गुजरात से जो है फैली हुई है, गुजरात से जो है, गुजरात से कहाँ तक फैली हुई, वाराणसी तक जो है, गंगा नदी घाटी में जाकर फैलते फैलते का वाराणसी के बाद जाकर जो है कुछ कम हो जाती है और अंततः जाकर नर्मदा जो अपना मैदान है नर्मदा घाटी उसमें जाकर ये जो है विलीन हो जाती है। तो कहाँ से, गुजरात से लेकर कहाँ तक, नर्मदा जो है अपनी कौन सी गंगा घाटी तक फैली हुई, जो गंगा का मैदान है उत्तरी गंगा का मैदान वहां तक जो है फैली हुई देखने को मिलती है। अगर बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी की तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जो है मालवा का पठार क्या है, इसके उत्तर में स्थित है, मैप में देखा ही था आपने विंध्याचल। तो जो मालवा का पठार का जो दक्षिणी छोर है इसकी क्या करता है, उत्तरी सीमा बनाता है। देखो ये जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मालवा का पठार आ गया, ये मान लो मालवा का पठार, ये अपना क्या आ गया, विंध्याचल पर्वत आ गया, ठीक है, विंध्याचल पर्वत आ गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि विंध्याचल के उत्तर में कैसे थे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मालवा का पठार। तो ये उत्तरी हिस्सा मालवा का और ये दक्षिणी हिस्सा आ गया, ठीक है। तो जो मालवा का दक्षिण हिस्सा क्या करेगा, इस विंध्याचल पर्वत की उत्तरी सीमा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। समझ आ रहा कि नहीं आया समझ, अरे ये समझ में आया कि विंध्याचल पर्वत के उत्तर में क्या स्थित है, मालवा का पठार है, ठीक है। इतना क्लियर है, मालवा का पठार स्थित है, ठीक है। अब जैसे ये मालवा का पठार है तो ये इसकी उत्तरी दिशा, ये दक्षिणी दिशा, ये पूर्वी दिशा, ये पश्चिमी दिशा, ठीक है। तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, इसका दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बात वो कहो कि मतलब विंध्याचल पर्वत के उत्तर में मालवा का पठार स्थित है, या बात ये कहो कि जो मालवा के पठार जो है विंध्याचल पर, मालवा के पठार का दक्षिण हिस्सा विंध्याचल पर्वत की जो है उत्तरी सीमा बनाता है, बात वही है, बस घुमा के बोल रखी है यहाँ पर। तो क्या लिखा हुआ है, मालवा का पठार इसका क्या बनता है, दक्षिणी छोर बनाता है। आगे चलकर ये क्या करता है, दो शाखाओं में जो है डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सी शाखा, एक होती है भांडेर श्रेणी और एक होती है कौन सी अपनी कैमूर श्रेणी में जो है विभाजित हो जाता है, ठीक है। विंध्याचल मालवा का पठार दक्षिण दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं, कैमूर श्रेणी जो नर्मदा सोन घाटी और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की जो समानांतर बहती हुई कहाँ तक जाती है, अपनी बिहार राज्य तक जाती है, ठीक है। और इसकी जो दक्षिण सोन नदी नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र में एक और कौन सी मेकल श्रेणी अमरकंटक श्रेणी से मिलती। अपनों ने क्या देखा था, जो मैंने क्या बताया था, कैमूर श्रेणी ये जा रही, भांडेर ये जा रही, इसका जो है कुछ क्षेत्र तो दक्षिण की ओर जा रहा, और ये जो कैमूर श्रेणी आगे जाकर कहाँ तक, बिहार तक फैली हुई, इसका कुछ क्षेत्र जो है दक्षिण की ओर आ रहा, इधर से सतपुड़ा रीजन आ रहा। मैंने बताया था ना अमरकंटक को विंध्याचल और सतपुड़ा का मिलन स्थल कहा जाता है, बस वही लाइन लिखी हुई है, क्या
इसकी एक दक्षिणी शाखा जो सोन नदी और नर्मदा नदी का जो ऊपरी क्षेत्र है मेकल श्रेणी, वहां पे अमरकंटक के पठार से सतपुड़ा श्रेणी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। वही चीज लिखी हुई है जो अपन समझ चुके हैं, ठीक है। मालवा के पठार के दक्षिण से आरंभ होकर ये श्रेणी जो है पूर्व की ओर मध्य प्रदेश तक जो है विस्तृत देखने को मिली। कहाँ से? ये मालवा के पठार से जो है विस्तृत देखने को मिली कि पूरे मध्य प्रदेश के पूर्व में ये फैली हुई, जैसे मैप में देखो आप सबसे क्लियर चीजें वहीं से हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी अपनी? विंध्याचल, ठीक है, समझ आ गया। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही? यहाँ से स्टार्ट हो रही। कैसे फैली हुई है? पूर्व की ओर फैली हुई कि नहीं फैली हुई, ठीक है। अब ये श्रेणी जो ये वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है इसका? कैमूर कहलाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है इसका? भांडेर कहलाता है, ठीक है। तो जो कैमूर श्रेणी आगे चलकर कहाँ तक जाती है? बिहार तक जाती है, ठीक है, अब आ रहा समझ में। और इसका जो है कुछ हिस्सा काफी कटा छटा पटा रूप में कहाँ तक आता है? अमरकंटक तक आता है। ये अमरकंटक श्रेणी यहाँ कर किससे मिल जाती है? सतपुड़ा श्रेणी से मिल जाती है, ठीक है, क्लियर हो गया है, इसमें कोई डाउट? अब इसे आगे देखते हैं अपन। और ये प्राचीन जो है परतदार चट्टान देखने को मिलती है। किस टाइप की चट्टान देखने को मिली? परतदार चट्टान, लाल बलुआ पत्थर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? बहुतायत में देखने को मिलते हैं। कौन से पर्वत पाए जाते हैं यहाँ पे? लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला के पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी श्रेणी फैली हुई? भांडेर श्रेणी फैली हुई। उसके बाद कौन सी? कैमूर। और फिर कौन सी आ जाएगी? पारसनाथ पहाड़ी, ये बिहार के आसपास झारखंड वगैरह में ये देखने को मिलेगी। किस टाइप का एक अवशिष्ट पर्वत देखने को मिलेगा? अब अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं सबसे पहले तो ये समझ लो। जैसे कोई इस विंध्याचल पर्वत का निर्माण है ना काफी समय पहले हुआ है, ठीक है, तो आपको बताऊंगा जैसे हवा चलती है जल द्वारा होती, तो ये क्या करती? किसी भी पठार का अपरदन करना स्टार्ट कर देती। क्या करती? अपने साथ जो है पठार को तोड़ना, इसके जो है कुछ कण हवा जो टकराएगी, जैसे मान लो ये हवा, ये कोई पर्वत है, यहाँ से हवा चल रही है तेज, तो ये क्या करेगी? हवा इस पर अटैक करेगी, तो इसके कुछ पार्टिकल्स इसे उड़ा के जो है दूर ले जाएगी, फिर और हवा चलेगी, फिर कुछ पार्टिकल उड़ा के लेगे, तो इस टाइप से जो पर्वत की ऊंचाई कम होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? पर्वत जो है पुराना होते जाएगा, काफी कटा चटा पटा हो जाएगा, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो विंध्याचल का पर्वत क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत देखने को मिलता है, ठीक है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है? पृथक करता है, ये अपन देख चुके हैं। अब जो अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं ना उनको विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणियां पर्वत श्रेणियां माना जाता है। जैसे अपनी अरावली हो जाएगा इसके अंतर्गत, विंध्याचल हो जाएगा, ये सभी इसके अंदर शामिल होती है। तो क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी ये देखने को मिलेगी, और विश्व की क्या है? सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रेणी देखने को मिलती। अगर इसके विस्तार की अगर बात करें, जिले देख लेते हैं कौन कौन से जिलों में ये विस्तारित देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर जिलों की अगर बात करें तो कौन से? अपना अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, देवास, हरदा, सीहोर, ठीक है, कुछ होशंगाबाद, जबलपुर, दमोह, कटनी, पन्ना, सतना, रीवी, सीधी डायरेक्ट इधर चले जाएगा, कैमूर श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। अब विंध्याचल को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में, भांडेर और कैमूर के बारे में बांट। अब भांडेर और कैमूर के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर बात करेंगे अपन किसकी? भांडेर पर्वत श्रेणी की, तो इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलेगा? बेसिकली आपको छतरपुर, दमोह और पन्ना जिलों में जो इसका विस्तार देखने को मिलेगा। पूर्व की ओर जो है क्या देखने को मिलेगी? विस्तारित देखने को मिलेगी। कहाँ का? छतरपुर, दमोह, पन्ना वाले रीजन में जो इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? छतरपुर, दमोह, पन्ना में। कौन सी? भांडेर पर्वत श्रेणी। एक बार ऊपर मैप में देख लेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। भांडेर हो गया अपना, और आगे देखते हैं। जैसे अपनों ने रीवा पन्ना का पठार पढ़ा था ना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी उसमें कि रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुडविलिया सद्भावना, ठीक है। और कल वाले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि जो रीवा पन्ना के पठार की जो है गुडविल चोटी है, ये जो है विंध्याचल पर्वत की भी जो है सबसे ऊंची चोटी, कल वाले में डिस्कस करा था अपनों ने। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? विंध्याचल की जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी सद्भावना चोटी है गुडविल, और इसकी जो है कितनी ऊंचाई हो जाएगी? 752 मीटर। और कहाँ देखने को मिलती है? दमोह में देखने को मिलती है। यही पूछ लेगा विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? सद्भावना चोटी है गुडविल चोटी। कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? दमोह में स्थित देखने को मिलती है, ठीक है।
यही विंध्याचल पे एक आपको देखने को मिलेगा, जम्बेरा गुम्बद है ना, ये अपनों ने देखा था, ये नहीं देखा था ना, तो ये भी दमो में ही देखने को मिलेगा। कौन सा? जमेरा गुम्बद, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? दमो में देखने को मिलेगा, विंध्याचल के ही पास। कौन से? गुडविल शिखर की जो है इसको जो है और दो नामों से भी जाना जाता है। गुडविल चोटी जो है इसको सद्भावना शिखर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके दो नाम भी और देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है अपना कलुमार और एक होता है कालुम्बे। कलुमार और कालुम्बे नाम होता है, देख लेना कभी ऐसे अटपटे से नाम कभी दे देता हूँ, एक दो बार वैसे पढ़ लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर ये फैला हुआ है उत्तर से जाते हुए बिहार के सासाराम तक, लगभग जो है 483 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। अगर इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो जबलपुर का उत्तरी मैप ही देख लेते अपन इससे अच्छा, तो ठीक है। अगर जैसे ये मैप है, यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? भांडेर। यहाँ पे कैमूर आ जाएगी, यहाँ पे आपका क्या? जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर की कहाँ स्थित है? उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, जबलपुर की उत्तरी उत्तरी यहाँ पे क्या स्थित है? अपना सतना वाला रीजन, ठीक है। ये यहाँ तक फैली हुई, यहाँ पे सतना हो जाएगा। तो ये दक्षिण और पूर्वी सीमा किसकी बनाता है? मेहर। सतना की जो है क्या बनाता? दक्षिण पूर्वी सीमा। मेहर की क्या है? दक्षिण पूर्वी हिस्से से होते हुए फिर किसकी ओर उड़ जाती? फिर आगे चलकर ये जो है इस साइड पे मुड़ जाती है पूर्व की ओर। मुड़ती हुई कहाँ से होकर गुजरती? रीवा से होकर जो ये गुजरती। आ रहा समझ में? कि जैसे ये जो अपनी श्रेणी है ना, ये अपनी क्या? भांडेर श्रेणी, ठीक है, ये वाली। अब ये यहाँ पे जबलपुर है तो इसके कहाँ स्थित है? उत्तर में स्थित है। यहाँ पे क्या? सतना देखने को मिलेगा। सतना के दक्षिण और किस में? पूर्व में स्थित है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में हो गया। और आगे चलकर कहा? यहाँ पे रीवा देखा था आपने, तो रीवा से होकर क्या गुजर जाती? यही लाइन लिखी है, देखो। जबलपुर के उत्तरी मेहर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में और यह श्रेणी पूर्व की ओर मुड़ती हुई कहाँ से होकर गुजरती है? रीवा से होकर जो है गुजरती है, यही लाइन लिखी हुई है, देखो। आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट? समझ में तो आ गया ना? अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कैमूर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, है ना। ये यहाँ से कैमूर श्रेणी स्टार्ट हो गई, भांडेर यही खत्म हो गई अपनी, ठीक है। तो कैमूर श्रेणी कहाँ स्थित है? मैंने सॉरी वो भांडेर बता दिया आपको, है ना। तो वो क्या है? कैमूर है, ठीक है। जबलपुर के उत्तरी मेहर के दक्षिण पूर्व हिस्से से फैलती हुई किसमें? रीवा से होकर जो है गुजरती। फिर अपनों ने क्या देखा था? टोंस नदी और सोन नदी के मध्य क्या करती है? जल विभाजन करती। देखा था ना, यमुना नदी अपवाहतंत्र और गंगा नदी अपवाहतंत्र को पृथक कौन करती? तो कौन? कैमूर पृथक करती। वही लाइन लिखी हुई यहाँ पे। तो ये क्या करती? सोन और टोंस नदी घाटी को विभक्त करती, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में जो है बिहार के आसपास जो है जाती। और एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेना, ये जो है नर्मदा नदी अपवाहतंत्र, सॉरी यहाँ पे गंगा नदी अफवाह तंत्र और किसको? यमुना नदी अफवाह तंत्र को क्या करती है? पृथक करती, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। बेसिकली ये तो वही है, नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है। फिर ये पर्वत श्रेणी सोन नदी घाटी की क्या चलती है? समानांतर रूप में चलती है, तभी तो जो क्या करेगी? विभाजित करेगी। बाकी जो कुछ और पॉइंट्स है तो ये आप देख लेना इसमें पीडीएफ में, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ और प्रमुख चोटियों के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी जो है पर्वत चोटी आपको देखने को मिलती है। तो अगर बात करी थी अपनों ने एक मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? धूपगढ़ है, वही लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी देखने को मिलती है? धूपगढ़ देखने को मिलती है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की क्या है? सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी अपनी? धूपगढ़ हो जाएगी, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये भी देख लिया अपनों ने। मध्य प्रदेश में मेकल में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी? मेकल की अमरकंटक। महादेव में स्थित है कौन सी? धूपगढ़। अगर इंडिविजुअल मेकल पर्वत श्रेणी की आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अमरकंटक, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो मेकल श्रेणी की जो छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो अपन देखा था बदरगढ़।
बदरगढ़ देखा था ना छत्तीसगढ़, ये याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे इस फैक्टर को डाल दिया गया। ठीक है, राजपिपला पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूनगिरी, ये लिखा हुआ। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, देखा था ना आपने जब बुंदेलखंड का पठार पढ़ा था, तो कितनी 1172 मीटर। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार, 881 मीटर। ठीक है, इसके अलावा दो और पढ़ी थी अपनों ने मालवा के पठार में, एक पढ़ी थी जानापाव और एक पढ़ी थी छजारी। जानापाव पर्वत की जो है वांचू पॉइंट से किसका उद्गम होता है, चंबल नदी का उद्गम होता है। यही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस में से जो है चंबल नदी का उद्गम होता है, किससे पूछ लिया आपसे, सिगार, जानापाव और छजारी, तो आपका आंसर क्या होगा, जानापाव आंसर होना चाहिए। ठीक है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अपन देख ही चुके गुडवीर, जो कितनी आपकी 752 मीटर, कहाँ देखने को मिलती है, दमोह में देखने को मिलती है। ठीक है, जो अपनों ने एक एक करके फैक्ट डिस्कस करे ना, उन्हीं को सब कंसाइज करके यहाँ लिख दिया गया। इसके अलावा और पर्वत श्रेणियों की अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कुछ और फैक्ट की बात कर लेते, तो इसके बाद अपने जो है लगभग सारे कवर हो जाएंगे पर्वत श्रेणी। एक होता है अपना गिद्धराज पर्वत, जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा सतना के आसपास। हेलो, हाँ सर, हो तो क्या देखा आप लोगों ने, गिद्धराज पर्वत कहाँ देखने को मिलेगा, सतना के आसपास जो ये पर्वत आपको देखने को मिलेगा। इसको बेसिकली गिद्धराज पर्वत क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो गिद्धों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो गिद्धों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ पाई जाती है, गिद्धराज, गिद्धराज पर्वत। और गिद्धराज पर्वत आपको देखने को मिलेगा सतना जिले में, कहाँ देखने को मिलेगा, सतना जिले में देखने को मिलेगा। और सतना जिले की कौन सी, देवराज नगर तहसील में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अपनों ने यही, इसे में यही लिखा है कि जो गिद्धराज पर्वत है ये पहाड़ी मध्य प्रदेश की कहाँ स्थित है, सतना जिले में स्थित है। और सतना जिले की कौन सी राज जो है, रामगढ़ तहसील की कौन सी, देवराज नगर में स्थित है। ठीक है, अगर बात करेंगे भोपाल की, तो भोपाल लगभग 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5। कौन कौन सी पहाड़ी है, शामला हिल से घिरा हुआ है, जहाँ जो है मध्य प्रदेश की जो विधायिका है, जो प्रशासन है, वहाँ के बहुत सारे सदन आपको जो है शामला हिल्स पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक है नवोरी हिल्स, एक है अरेरा हिल्स, एक है कटारा हिल्स, और एक कौन सी है, ईदगाह हिल्स हो जाएगी। कितनी है, 5। कौन कौन सी, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते अपन तो आपको क्या होगी, याद हो जाएगी। कितनी है, 5। कौन सी, शामला हिल्स, अरेरा हिल्स, ठीक, कौन सी हो जाएगी, ईदगाह हिल्स। ठीक है, और कौन सी हो जाएगी आपकी, कटारा हिल्स, और एक और कौन सी बच रही आपकी, नेवरी। ठीक है, तो भोपाल कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ियों से। कौन कौन सी जो हो जाएगी अपनी, शामला, नेवरी, अरेरा, कटारा और ईदगाह। ऐसे 4-5 बार बोलोगे ना इनको तो याद हो जाएगी। ठीक है, और एकाद बार क्या करना, ऐसे बेंजीन रिंग वगैरह बना के ऐसे 2-4 बार ऐसे बिठा देखे लिख लोगे तो चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, नहीं नहीं तो बेंजीन मतलब 6 हो जाएगी, इसमें 5 है, बेंजीन रिंग टाइप बोला मैंने, है ना। मालवा की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी हो जाएगी, सिगार, 881, इंदौर में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की धूपगढ़, लांजी का किला कहाँ देखने को मिलेगा, बालाघाट में। ये अपनों ने देख ही लिया था जब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी अपन पढ़ रहे थे उसमें। लमेटा हिल्स कहाँ देखने को मिलेगी, जबलपुर में। गोपाचल पर्वत कहाँ देखने को मिलेगा, ग्वालियर में। उसके बाद मेकल रेंज में जो है क्या मिलते हैं, सर्वाधिक खनिज देखने को मिलते हैं, ये भी देखा था अपनों ने बालाघाट वाला जो रीजन है उसमें। त्रिकुटा पर्वत कहाँ देखने को मिलेगा, मेहर में देखने को मिलेगा, सतना में। तो सतना में 2 पर्वत देखने को मिलेगा, कौन से, गिद्धराज पर्वत और त्रिकुटा पर्वत। ठीक है, त्रिकुटा पर्वत कहाँ देखने को मिलेगा, मेहर सतना में। और मेहर सतना में क्या देखने को मिलेगी, शारदा माता का मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का जो राष्ट्रगान अगर अपन गाते हैं तो उसमें केवल एक मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत श्रेणी का आता है। ठीक है, जनगणमन गाते हैं ना उसमें, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रगान में क्या होता है, विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत में आप देखोगे कि विंध्याचल पर्वत में चूना पत्थर की अधिकता देखने को मिलती है। ठीक है, सतना वगैरह रीजन में।
तो इन्हीं चूने पत्थर की अधिकता के कारण यहाँ क्या सीमेंट उद्योग की आपको अधिकता देखने को मिलती, किसकी, सीमेंट उद्योग की यहाँ पे अधिकता देखने को मिलती। तो यही लिखा हुआ है कि विंध्याचल पर्वत में चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलती, सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, लगभग अपनों ने देख लिया, एक बार और आप मैप में जो है देख लो तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो ये अपनी पर्वत श्रेणियां भी लगभग जो है कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये वाली श्रेणी कौन सी आ जाएगी अपनी, सतपुड़ा, इसके अंतर्गत ये क्या, राजपीपला, महादेव और मेकर। ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा, विंध्याचल। विंध्याचल में क्या देखा आप लोगों ने, सबसे पहले देखो यहाँ पे मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार। ठीक है, ये आ जाएगा भांडेर श्रेणी, ये आ जाएगा केबोर श्रेणी। ठीक है, और ग्वालियर में कौन सा देखने को मिलेगा आपको, गोपाचल पर्वत देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोगों ने क्या देखा था, सतना में दो पर्वत श्रेणी और आपको देखने को मिलेगी, गिद्धराज पर्वत और एक और क्या, कौन सा देखा था, त्रिकुटा पर्वत। ठीक है, तो ये अपनों ने जो है आज वाले लेक्चर में कल के बचे हुए मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में और जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इसके आगे वाली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। नदियों में देखेंगे अपन कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होती, कौन कौन जिलों से प्रवाहित होती, किस नदी की जो है कौन सी सहायक नदियाँ होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस नदी के अपवाह क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, इस अगर किसी नदी पे कोई जलप्रपात विशेष है वो देखेंगे। उसके अलावा देखिए किसी नदी पे कौन सी जो है परियोजना चल रही है वो देखेंगे अपन। ठीक है, कौन सी नदी जो है किस साइड प्रवाहित होती है, जैसे अगर आप लोगों ने जो है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देख लिया है तो इसमें आप लोगों ने देखा कि जो है किस किस पठार का ढाल किस साइड पे है, तो इससे आपको जो है पूरा आइडिया लग जाएगा कि कौन सी नदी किस साइड पे प्रवाहित होती है। तो ये सभी अपन जो है कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में फिर। धन्यवाद।